श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धियं सदा परिभवानमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरल चिनुतुं शरण्यम् भ्रत्यार्तिहं प्रणतपालबभाधिपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरिवो विनेदो तं सर्वभूतिहृदया मुनिमानतोऽस्मि जन्माधिश्यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वविघ्नेश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति या सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्विन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथ मुख्या श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राधे मेरी स्वामिनी मेरा धेजुको दास जनम जनम मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति आराध्यमयी शब्द संगीता श्रीमद्भागवत महापुराण का आज हम और आप सभी के मध्य में द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। मंच पर विराजमान सुशोभित समस्त पितृगण ब्राह्मणगण आचार्यगण एवं समस्त संगीताचार्य को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। दूर दूर से पधारी समस्त भक्तगण वृंदगण शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा समस्त मेरी माताएं बहनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी दोनों को ही पवित्र करने के लिए प्रभु का कुछ नाम संकीर्तन हम और आप सभी मिलकर बड़े भाव के साथ करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है भगवान का नाम गुणगान गाने से जीव की अनंत जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मनसाह वाचाह कर्मणा खूब प्रयास करते हैं कि हम पाप ना करें झूठ ना बोलें, लेकिन फिर भी एक दो पाप दिन में हमसे हो ही जाते हैं।
अन जाने में भी पाप हो जाए तो भोगना तो पड़ता ही है, तो ऐसे पापों का नाश कैसे होगा? एक ही उपाय है कि प्रभु का नाम संकीर्तन ही ऐसे पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है। आइए सभी मिलकर बड़े भाव के साथ हमारे साथ प्रभु का नाम संकीर्तन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, हे गुरुदेव हम शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, हे गुरुदेव हम शरण तिहारी। Thank you.
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए कल की कथा को पुनः स्मरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हमने यहाँ बैठकर के श्रवण किया भागवत का महात्म्य। छह अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य दिया गया है। महात्म्य का मतलब परिचय पहचान। जब तक किसी को हम जान नहीं लेते पहचान नहीं लेते तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं होता। आपके बीच में कोई कितना भी श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी महापुरुष आकर बैठ जाए और हम उन्हें जानते भी नहीं तो हम उनसे ठीक से बात भी नहीं करेंगे क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है। और जब कोई उनके बारे में बताए उनका परिचय दे पता चले कि ये तो इतने श्रेष्ठ है तब हम उनका स्वागत भी करेंगे सम्मान भी करेंगे प्रेम भी करेंगे। क्यों? अब उनसे हमारी जान पहचान हो चुकी है। तो जब तक भागवत के बारे में जान नहीं लेते तब तक भागवत से भी प्रेम नहीं होता। इसलिए छह अध्यायों में भागवत जी का परिचय दिया गया है कि भागवत कैसे सुननी चाहिए। भागवत है क्या और किसने भागवत को श्रवण किया है सुना है किसका कल्याण हुआ है ये सब छह अध्यायों में विस्तार से दिया गया है। कल आपने यहां श्रवण किया। भागवत है क्या? वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। कोई भी पुराण शास्त्र हम पढ़े तो पहले मंगलाचरण दिया जाता है और उस मंगलाचरण में जिस देवता के बारे में कहा गया है उस देवता का ही नाम बार बार लिया जाता है। लेकिन भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है ये बड़ा ही सार्वभौम है। इसके मंगलाचरण में किसी भी एक देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि सत्य सत्य कहकर के संबोधित किया गया है। और वो सत्य कौन है? जो पहले भी था आज भी है और बाद में भी रहेगा। गर्भस्थ स्तुति में तो भगवान कृष्ण को ही देवताओं ने सत्य सत्य कहकर पुकारा है। सत्यम व्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम् नीतम् च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर के भगवान को ही पुकारा गया है। ऐसे परम दयालु कृपालु सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए ही ऐसी कथाओं को कहना चाहिए और सुनना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब बिना भगवान की कृपा के संतों का भी दर्शन नहीं होता
आज तो हमें भगवान की ही दिव्य वाणी शब्द संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को प्राप्त हो रही है। ऐसी कथाओं को श्रवण करने से पहले हमारा चित्त भगवान में ही लीन होना चाहिए। क्यों? बल जहां चित्त चिपक जाए उसी की याद बनी रहती है। बोलो राधे राधे। जो चित्त में बैठ जाए उसी का स्मरण चित्त में चलता ही रहता है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद चित्त में बनी ही रहती है। कोई शत्रु है तो वो भी अपने चित्त में चिपक गया। अब शत्रु के संबंध से वो हमारी चित्त में चिपक तो गया लेकिन स्मरण निरंतर बना हुआ है। जैसे उदाहरण से आप कथा सुनने आए बैठ गए, आपके ही बगल में आकर के आपका ही कोई शत्रु आकर बैठ जाए, आपने देखा हो इसको यही जगह मिली बैठने को, इधर उधर कहीं नहीं बैठ सकता था। अब कथा में मन नहीं लगेगा, उसकी तरफ मन खिंच गया, वो चित्त अब शत्रु की ओर चला गया। चित्त में जो चिपक जाता है उसी का चिंतन हमें बना रहता है, चाहे वो प्रेमी हो या वो शत्रु हो। तो सर्वप्रथम अपने चित्त में श्री हरि को जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक कथा में भी मन लगने वाला नहीं है। भले ही देह से बैठे तो रहे शरीर से लेकिन मन इधर उधर हिसाब में घूमता ही रहेगा। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए, हे प्रभु हम आपकी कथा में बैठे हैं, आए आकर के आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। मूली खाओ तो डकार भी मूली की ही आएगी। बोलो हाँ जी की ना जी। जैसा अंदर है वही तो बाहर आएगा। वही स्वयं परमात्मा जब हमारे अंदर होंगे तो फिर अपने आप ही कथा में मन लगने लगता है। फिर मन चाह कर भी नहीं जा पाता। और ये भगवान की कथा भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की कथा भाग्य उदय करने वाली है। भगवान की कथा समस्त पापों को मिटाने वाली है। भगवान की कथा भगवान से मिलाने वाली है। बच्चों का ड्राइवर है कोई? बोलो राधे राधे। भागवत है क्या? वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहु रसिका भुभु भावुका। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, ध्यान से सुनना। इसमें बताया है कि ये भागवत है क्या? निगम कहते हैं वेदों को। कल्प तरोरि गलितम फलम, वेद हैं वृक्ष, वृक्ष रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका पका एकदम शुद्ध सात्विक फल श्रीमद् भागवत है। वेद है वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, गला हुआ है पका हुआ है। किसी ने पूछा महाराज ठीक है वो सब मानते हैं कि फल गला हुआ है पका हुआ है, तो लेकिन वेद तो बहुत ऊंची शाखा है। वेदों की ऊंची शाखा होती है, बहुत ऊपर से आकर के ये फल जब गिरा है धरती पर पहुंचा है तो गला हुआ है पका हुआ है। इस कारण फल टूट गया होगा, फल फूट गया होगा। वेद व्यास जी कहते हैं सुनो, फूटने और टूटने की बात तो तब आए जब एकदम से आकर गिरे। और ये श्रीमद् भागवत रूपी फल धीरे धीरे आकर धरती पर पहुंचा है। सर्वप्रथम
नारायण भगवान की शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा से जब टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर अटका, और वेद व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, सुखदेव जी की शाखा से टपका तो राजा परीक्षित अनेक अनेक संत महात्मा और हम सब तक ये फल प्राप्त हुआ। तो एकदम से धड़ाम से आकर धरती पर नहीं गिरा, धीरे धीरे शाखा परिशाखा आकर ये फल धरती पर पहुंचा, इसलिए ना टूटा है ना फूटा है, ज्यों की त्यों पृथ्वी पर विराजमान है, गला हुआ है पका हुआ है, इसलिए इस फल को खाओ पियो, पाने में भी मीठा है। किसी ने पूछा महाराज कई बार ऐसा होता है जैसे फल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब पाते हैं ना तो बड़े खट्टे होते, ये भी खट्टा हुआ तो वेद व्यास जी कहते हैं सुनो, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जिस फल में तोता अपनी चोंच मार देता है, जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वो फल मीठा ही होता है। इस भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच मारी है, इस तोते ने सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने भी तो इस कथा को श्रवण कराया है, इसे पिया है, इसलिए ये फल मीठा है। आप तो बस पीते ही जाओ पीते ही जाओ, महाराज आप प्रशंसा तो बहुत कर रहे हैं, फल मीठा है मीठा है, लेकिन खट्टा निकला तो देखो शास्त्र सम्मत है, तोता जिस फल में चोंच मार देता है। लोगों ने कहा महाराज हम जानते हैं फल बेचने वाले अपने फलों की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि वहां से निकलने वाले जाने वाले उन्हें फल लेना ही पड़ता है। आगरा में एक जगह फल बेचते हैं तो वो आवाज लगाते हैं, आई आई केले मलाई वाले केले मलाई वाले केले, सुनने वाला ये कौन सा केला है, लेकिन मलाई का केला होता है क्या? एक व्यक्ति बेच रहा था, आओ खरबूजे शक्कर से मीठे, आओ खरबूजे शक्कर से मीठे, सुनने वाले इतने मीठे चलो हम भी ले दे दो भैया, जाकर लिए घर जाकर उसने जब साफ किया और फिर पाया खरबूजे को तो मीठा नहीं था, आया दौड़कर इसमें कहां मिठास है, हमने तो पाया हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तुम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे। तब उसने समझा अरे बाबूजी हमने यही तो कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर लगा कर खाओ तो मीठा लगेगा। उनका बेचने का एक तरीका होता है, ऐसे क्या पता आप भी ऐसे ही बना रहे हो, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस फल में तोते ने अपनी चोंच लगाई है, तोते ने अपनी चोंच मारी है, इसलिए फल मीठा ही होगा। ठीक है आप ये सब कहते हैं मानते हैं, लेकिन हमने तो अभी तक ऐसे फलों को देखा है या तो फल को खाया जाता है या फिर फल 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 को चूसा जाता है, ऐसा कोई भी फल नहीं देखा जिस फल को पिया जाए। और आप कहते हो पिबत भागवतम रसमालियम, इसे पीते ही जाओ पीते ही जाओ, ऐसा तो फल कोई हमने नहीं देखा। व्यास जी कहते हैं सुनो खाने वाली बात और चूसने वाली बात वहां आती है जहां जिस फल में छिलका और गुठली हो, जिस फल में छिलका और गुठली हो। अरे श्रीमद् भागवत रूपी फल है, इसमें ना छिलका है ना ही गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है और रस को तो पिया जाता है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालियम, इसे पीते ही जाओ पीते ही जाओ। कब तक? रसमालियम, जब तक इसके रस में रसानूर ना है जाए तब तक पीते ही जाओ। कोई पानी में डूब गया हो और अभी डूबा नहीं है, वो कह रहा है कि मैं पानी में डूब गया, इसका मतलब वो अभी डूबा नहीं है, डूब गया होता तो फिर वो बोल नहीं पाता,
जो ये कहते हैं कि हमने चार बार कथा सुनी है, दस बार कथा सुनी है, इतनी बार सुनी है, इसका मतलब उन्होंने अभी कथा को ही नहीं सुना। रसानूर जब तक ना हो जाए, जो इसको पहचान लेता है, जान लेता है, फिर वो अहमता की बातें नहीं करता। किस किस को पिलाना चाहिए, तो वेदव्यास जी कहते हैं वैसे तो किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी आए आकर के सुनो, लेकिन मुख्य प्रकार से दो तरह के लोगों को बुलाया। रसिका भुव भावु का, रसिक जन भावुक जन। और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और लोगों को इसलिए भी नहीं बुलाया कि जिनका मन नहीं है ना कथा में, तो कथा कम कहते हैं, प्रश्न ज्यादा करते हैं। भागवत में ऐसा क्यों लिखा, भागवत में ऐसा क्यों कहा गया, तो प्रश्न ज्यादा उठने लगते हैं। इसलिए व्यास जी ने फालतू के लोगों को बुलाया ही नहीं, कहीं व्यास जी का ही माथा खराब कर दो। केवल दो प्रकार के, रसिका भुव भावु कह, रसिक जन भावुक जन, जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति है, जिनका भाव भागवत के प्रति है, वो जब आएंगे तो वो श्रोता बनकर बैठेंगे तो सुनाने में भी बड़ा आनंद आएगा। विद्यालय में गुरुदेव को पढ़ाने में तब आनंद आता है जब विद्यार्थी पढ़ने वाले हो, ऐसे ही कथा सुनाने में तब आनंद आता है जब कथा सुनने वाले हो। पानी का महत्व प्यासा ही समझता है, जिसे प्यास ना लगी हो वो पानी का महत्व नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाई और प्याऊ लगा कर बैठ गए, सबको बुला बुला कर जल पिलाते थे, आओ आओ भैया जल पियो, आओ जल पियो। एक राहगीर वहां से निकल रहे थे, प्याऊ वाले ने आवाज लगाई, दो चार पांच बार जब आवाज लगाई, कई बार बुलाने पर जब आए, क्यों इतनी बार क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि उसे प्यास नहीं थी। प्यास यदि होती तो बुलाने की आवश्यकता ना होती, कई बार बुलाने पर आया और आकर के पानी नहीं पिया, प्रश्न ज्यादा। उसने कहा भैया अच्छा लो लो जल पियो, कहने लगा जल तो पियेंगे, पहले ये बताओ कहां से भर कर लाते हो, कहीं ऐसी वैसी जगह से तो नहीं ले आते? नहीं महाराज, शुद्ध कुआ है, घर का कुआ है, आप एक बार जल पी कर तो देखो। अच्छा जल भरते हो तो जल को छान कर तो भरते हो ना? हाँ जी, जल को छान कर भरते हैं, आप एक बार पी कर तो देखो। अच्छा जिस बर्तन में जल भरते हो उसको रोजाना साफ तो करते हो ना? हाँ जी, जल छान कर भी भरते हैं, बर्तन साफ करके भी भरते हैं, आप एक बार पी कर तो देखो। फिर कहने लगा अच्छा जल पीने में मीठा तो है ना? हाँ जी जल मीठा भी है, आप पियो तो, एक बार पी कर तो देखो। अच्छा तो ठीक है जल तो पियेंगे, पहले ये बताओ जल ठंडा तो है ना, पीने में अच्छा लगे? हाँ जी जल ठंडा भी है, मीठा भी है, सब सही है, लेकिन आप एक बार पी कर तो देखो। कहने लगा जल ज्यादा ठंडा तो नहीं, कहीं गला ही खराब कर दे? राम राम, जल को छुआ नहीं और प्रश्नों की झड़ी बना दी। क्यों? क्योंकि उसे प्यास नहीं है। यदि प्यास लगी होती तो इतने प्रश्न याद ना आए होते। कहीं रेगिस्तान में फंस जाए और बहुत तेज प्यास लगी हो और वहां कोई धीरे से कहे लो भैया जल पियोगे, विचार करो इतने प्रश्न याद आएंगे किसी काल में? इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं जो भागवत के जो प्यासे हैं वो ही इस कथा में आए। क्यों? जिनकी श्रद्धा है भागवत के प्रति, जिनका विश्वास है, यदि वो आएंगे तो व्यास जी को सुनाने में भी आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया और फिर सोनक ऋषियों ने छह प्रश्न किए और इन्हीं छह प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत चली। पहला प्रश्न
जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो। फिर प्रश्न करते हैं, शास्त्र तो बहुत है, शास्त्र बहुत है लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, उसके बाद फिर प्रश्न करते हैं। एक जगह तो कहा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं, और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की कितने अवतार हुए और कहां कहां पर भगवान के अवतार हुए। फिर प्रश्न करते हैं, जीव का परम लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए। और अंतिम प्रश्न किया, जब भगवान धर्म की स्थापना करके गोलोक धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्मम कम शरणम गतः। ये छह प्रश्न शौनक ऋषियों ने किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे शौनक ऋषियों, मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब तो दूंगा लेकिन पहले अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। अशोक जी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह का तर्याजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्गो विनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमान तोष्मि यशानुभावमखल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमोन्नम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्यासपुत्रम् तं व्यास सोनमुपियामि गुरुं नमामि। जो जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी माता पिता वेद व्यास जी पुकार रहे थे, पुत्र बेटा बेटा कहकर, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुखदेव जी का चरित्र श्रवण कराया और सुखदेव जी का जन्म चरित्र कौशिकी संहिता में दिया। भागवत जी में तो विस्तार से नहीं दिया लेकिन कौशिकी संहिता में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। एक समय में भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हुए थे। मां पार्वती अपना कार्य कर रही थी, तभी वहां पर नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने जब देखा भोलेनाथ समाधि में लीन है तो विचार किया, क्यों ना माताजी का ही दर्शन कर ले। पहुंच गए माताजी के पास, माताजी को प्रणाम किया। मां पार्वती ने कहा, बेटा नारद, पहले तो आए दिन आते रहते थे, आजकल आना जाना कम कर दिया है, बहुत दिनों से तो आए ही नहीं। नारद जी कहते, हाँ माता, क्या बताएं, पहले जब आते थे ना हम तो लोगों के अंदर प्रेम दिखाई पड़ता था, लेकिन आजकल लोगों का प्रेम तो समाप्त हो ही गया है, थोड़ा बहुत प्रेम जो बचा है ना
वो केवल कब तक रहता है? जब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो जाए तब तक रहता है। उनका कार्य सिद्ध हुआ, उनका काम बना और प्रेम समाप्त हो जाता है। मां, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। प्रेम वो होता है जो अनंत हो जाता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होता। प्रेम वो है जो अनंत हो गया। और जब प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। लेकिन जहां देखो वहां प्रेम का नाटक तो दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम कहाँ है? वो तो व्यवहार हुआ ना, हमने जैसा किया वापस आपने हमें वो दे दिया, वो प्रेम नहीं है। इसलिए माँ, आजकल हमने गृहस्थ के गृहस्थियों में आना जाना बंद कर दिया। माँ पार्वती ने कहा, बेटा वो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ तो आना था। तुम जानते हो मेरे भोलेनाथ का कितना सुंदर परिवार है, कितना दिव्य परिवार है। तुम्हें यहाँ स्वार्थ दिखाई पड़ता है क्या? अरे मेरे भोले बाबा का परिवार तो इतना सुंदर है कि यहाँ कोई शत्रु भी आ जाए तो वो भी प्रेमी हो जाता है, कोई वैरी भी आ जाए तो वो भी प्रेम करने लगता है। तुम जानते हो मेरे भोले बाबा का वाहन नंदी बैल और मेरा वाहन सिंह। नंदी और सिंह एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन जब भोले बाबा के परिवार में आए, भोले बाबा की शरण में आए तो नंदी और सिंह दोनों ही बैर छोड़कर प्रेम करने लग जाते। मेरे भोले बाबा के गले में सर्प लटक रहे हैं और मेरा पुत्र गणेश चूहों को लेकर घूम रहा है। सर्प और चूहे भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब भोलेनाथ के परिवार में आए तो उन्होंने भी अपना शत्रुता छोड़ दी और प्रेम करने लग जाते। मेरा पुत्र कार्तिकेय जिसका वाहन है मोर, मोर भी सर्प का विरोधी है, बैल सिंह का विरोधी है, सर्प चूहे का विरोधी है और मोर सर्प का विरोधी है। सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन जब भोलेनाथ की शरण में आए तो बैल भी बंधा है, सिंह भी खड़ा है, मोर भी घूम रहे हैं, चूहे भी डोल रहे हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, वो शत्रुता भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई पड़ता है, प्रेम नजर नहीं आता, तो ये क्या है? अब नारद जी को लगा माताजी अपने परिवार की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। माताजी ने कहा, सुनाएं बेटा, भोलेनाथ है ना, हमसे कभी कुछ नहीं छुपाते। शास्त्र कहते हैं स्वप्न में भी यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो स्वप्न के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। जिस मंत्र का हम गोपनीय रूप से जाप करते हैं प्रतिदिन रोजाना, जिसका जाप किया जाता है, उस मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और सुनो, भोलेनाथ ने उस मंत्र को भी मुझे बता रखा है। और जिस प्रतिदिन जो झांकी का दर्शन भोलेनाथ करते हैं, सबसे पहले आकर वो मुझे बताते हैं। तुम कहते हो कि संसार में स्वार्थ दिखाई पड़ता है, अब ये प्रेम नहीं तो क्या है? नारद जी को लगा, यदि बोलती गई माँ तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्या करें? बोले, यदि आज ही खटपट नहीं हुई ना तो हमारा भी नाम नारद नहीं। नानम ददाति इति नारदः,
ब्रजवासी अर्थ करते हैं नारद को एक ही अर्थ है, बल जाकी कऊ कबऊ कोई बात रद्द ना होए वो नारद। नारद जी को लगा क्या करें, माता जी तो प्रशंसा करने लगी। नारद जी ने कह दिया, माताजी मुझे तो विश्वास है आपके और भोलेनाथ के प्रेम में कोई भी विक्षेप नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं जब जाता हूँ ना तो लोग भी चर्चा करते हैं और मेरे मन में भी ये बात आती है कि जो भोलेनाथ अपनी गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, कहीं भी जाते हैं उस मुंडों की माला को अपने से पृथक नहीं करते, अलग नहीं करते। अम्मा मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आप कह रही हो कि भोलेनाथ कभी कुछ नहीं छुपाते, लेकिन मेरे मन में जो शंका है वो आप ही दूर कर सकती हो, इसलिए बताओ जो भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं वो मुंड किसके हैं। अब बस माताजी का माथा ठनका। माताजी विचार करें, अभी तो हमें तो कभी बताया नहीं, लेकिन माताजी ने कहा बेटा नारद हमने कभी पूछा नहीं। कुछ माताओं की आदत ऐसी होती है कि वो अपने पति से चाहे कितनी भी सुनाए खरी खोटी, लेकिन किसी दूसरे से कभी बुराई नहीं करती, ऐसी आदत होती है। माँ पार्वती कह रही है कि बेटा हम जानते हैं भोलेनाथ तो नहीं छुपाते, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं। नारद जी लगे तो माँ आपने नहीं पूछा ठीक है, लेकिन भोलेनाथ को तो बताना था। अरे जब सब कुछ बताते हैं तो ये भी बता देते क्या हो जाएगा। बस अब धीरे धीरे माता जी की आंखें लाल लाल होने लगी और जैसे क्रोध आने लगा माता जी को कि अब नारद जी ने कहा अच्छा माता जी अब हम चलते हैं, अपना काम हो गया। नारद जी चल दिए इधर, तब तक भोलेनाथ की भी समाधि खुल गई। बम भोले की नारद जी बोले महाराज आपको माता जी ने याद किया है। बोले बाबा बोले हाँ तू आया है तो जरूर याद किया होगा। तो भोलेनाथ आए इधर और जहां भोलेनाथ पधारे तो देखा आज विचित्र व्यवहार माँ पार्वती का। और दिन प्रेम से बातें करती थी, जल पिलाती थी, आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं। कभी कभी क्रोध बिना बोले भी पता चल जाता है कि आज इसका व्यवहार विचित्र है तो कोई बात है। हाजी की लगता है ना, कभी कभी ऐसी खटपट भी पति पत्नी में होती रहती है कि बातचीत बिल्कुल बंद। भोलेनाथ आए हैं, मां पार्वती कुछ नहीं कह रहे, एकदम शांत है। देवी क्या हुआ, क्या बात है, बार बार कहने पर देवी ने कहा तुम तो बस हमसे बात ही मत करो। आज मुझे मेरे पिता की सारी बातें याद आ रही हैं। मुझसे मेरे पिता ने कहा था, खूब समझाया भी था कि बेटी वो शमशान में रहने वाला है, पर्वत पहाड़ों पर रहने वाला है और तुम एक राजकुमारी हो, महलों में रहने वाली हो, कहां तुम और कहां वो, कैसे जीवन चला पाओगी तुम उनके साथ। बेटी मान जाओ तुम उस भोलेनाथ से उस शंकर से विवाह मत करो। खूब समझाया पिता तो कहते रहे अंत तक कि बेटी इससे तुम विवाह मत करो, लेकिन मैंने ही नहीं मानी। आज मुझे लगने लगा है कि यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं ऐसे कष्ट में, आज ऐसा दुख मुझे देखना नहीं। भोलेनाथ को लगा कोई बड़ी बात है जो पिताजी तक पहुंच गई। देवी हुआ क्या है बताओ तो। अच्छा देखो माँ पार्वती खूब सुना रही है भोलेनाथ को, अब भोलेनाथ फिर भी लगे हैं देवी बताओ तो, देवी बताओ तो,
इसका मतलब क्या है? गाड़ी की दो पहिए मूल होते हैं, दोनों पहिए अच्छे से चले तो गाड़ी बढ़िया चलती है। बोलो हाँ जी ना। ऐसे ही ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। ये दोनों मिलकर चले तो गृहस्थ रूपी गाड़ी अच्छी चलती है, और इनमें से कोई भी एक पहिया भी गड़बड़ा जाए तो पूरा घर गड़बड़ा जाता है। हाँ जी की ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुरुष को जब क्रोध आए तो स्त्री का दायित्व है वहां पर शांति ही रहना चाहिए, और स्त्री को जब क्रोध आए तो पुरुष को भी वहां समझदारी का परीक्षा देते हुए निकल जाना चाहिए। क्यों? माताओं का एक स्वभाव होता है वो ज्यादा देर क्रोधित नहीं रह पाती। छनी रुष्टा छनी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छनी छनी, कभी क्रोध हो जाए, क्रोध में आ जाती है, कभी हंसने लगती है। नारद जी वृंदावन जब पहुंचे थे ना तो यही सोचकर भक्ति और दासियों के बीच में नहीं गए थे, क्योंकि माताओं का स्वभाव विचित्र होता है। एक पल में हंस रही हैं, अगले क्षण में पता चले रोने भी लग जाए। हाँ, माताएं बढ़िया हंसती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, और अगले क्षण कोई ऐसी बात आ गई तो पता नहीं आंसू भी झलकने लग जाते, पता नहीं लग जाता। इसलिए भोलेनाथ से हमें घर में कैसे रहना चाहिए वो सब सीखना चाहिए। भोलेनाथ पूछते गए, देवी बताओ तो सही क्या बात है। माता जी अब सुनाने लगी, वो तो भला हो उस नारद का जो आकर के मुझे आज ये सब सच्चाई पता चली। तब भोलेनाथ मान गए, ओहो ये सब नारद की करतूत है। देवी हम तो कभी कुछ नहीं छुपाते, फिर ऐसा तुम्हें क्या कह दिया नारद ने। तब देवी ने कहा, यदि नहीं छुपाते ना तो ये कौन है जिससे तुम इतना प्रेम करते हो कि कभी अपने से अलग नहीं होने देते। बोले नारद बोले, देवी ये कोई और नहीं है, जब भी तुम्हारा जन्म हुआ तुमने अपना देह त्यागा तो तुम्हारे ही मुंड को इस माला में पिरो करके मैंने अपने गले में धारण कर लिया, और तुम्हारी याद में तुम्हारे वियोग में मैं दीवाना बना इस धरा धरती पर घूमता रहता था। तो ये जितने भी मुंड मेरी माला में लटक रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ मैं इतनी बार जन्म ले चुकी हूँ और इतनी बार मर चुकी हूँ। हाँ देवी, इतनी बार तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। महाराज आप तब से ज्योति क्यों बने, आपको कभी कुछ नहीं हुआ? हाँ देवी हमें कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? आपने ऐसी कौन सी गुट्टी पी रखी है? बोल हमने देवी अमर कथा सुन रखी है। ओहो महाराज आप कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी हो। और माँ जान माँ पार्वती अड़ गई, अब तो हमें भी जन्म मरण के फंदे से मुक्त होना है, नहीं बार बार जन्म लेना, नहीं बार बार मरना, इसलिए हमें भी अब अमर कथा को ही सुनना है। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये अमर कथा हम सुना तो दे, लेकिन हम जब कथा सुनाते हैं ना तो बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाते हैं, एकदम नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। मां पार्वती कहने लगी, मैं बीच बीच में हुंकारे भरती रहूंगी। हुंकारे जानते ना, हुंकारे भरती रहूंगी। तो पहले जाओ जाकर के देख कर आओ कोई है तो नहीं। तो मां जानकी मां पार्वती गई और जाकर के बाहर तीन ताली बजाई, जो भी पशु पक्षी जानवर थे सब भाग गए। एक एक तोते का अंडज वहां पड़ा हुआ था। पार्वती को दया आ गई, अंडज है अभी इसने देह भी नहीं प्राप्त किया, जीवी ही तो है इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया। मां पार्वती आई और आकर के कहा, हाँ भोलेनाथ अब कथा सुनाओ।
भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए और ध्यान मग्न होकर के भोलेनाथ जो ही कथा प्रारंभ करने लगे, कथा सुनाना प्रारंभ की और कथा सुनाते सुनाते माँ पार्वती हुंकारे भी भरती जाए बीच बीच में। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती हुंकारे भर रही हैं और कथा के प्रभाव से वो जो तोते का अंडा पड़ा हुआ था वो बहुत जल्दी विकसित होने लगा, अंडे से बाहर निकल कर आया, देह प्राप्त किया और धीरे धीरे बहुत शीघ्रता से वो बड़ा हो गया और बड़ा होकर के कथा के प्रभाव से वो माँ पार्वती के बगल में आकर बैठ गया और वो भी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे, माँ पार्वती हुंकारे भरती रही और कथा जब एकादश स्कंद में पहुंची और एकादश स्कंद में अध्यात्म की कथाएं आती हैं जो लगभग लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो कथा तो कह देते हैं वक्ता, लेकिन कथा सुनने वाले के ऊपर से निकल जाती है, बोलो राधे राधे, वो समझ नहीं आती। एकादश स्कंद में जब कथा पहुंची तो वहां माँ पार्वती को अब नींद आ गई। जहां नींद आई अब तो हुंकारे तोते ने भरने प्रारंभ किए। क्यों? तोते के अंदर एक गुण होता है, तोता जैसा सुनता है ना वो वैसा ही बोलना भी प्रारंभ कर देता है। तोते को आप रोजाना जो एक शब्द सुनाओगे वही शब्द तोता तुम्हें भी सुना देगा, ये गुण है। इसलिए तोते ने हुंकारे भरने प्रारंभ किए और जब अमर कथा भागवत कथा पूर्ण हुई, विराम हुई और जोर से भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय। एकदम माँ जानकी माँ पार्वती की आंख खुली। हाँ महाराज, कथा फिर कहा क्या हुआ? भोलेनाथ बोले, देवी कथा पूरी हो गई और तुम कहती हो क्या हुआ? क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे तो नींद आ गई थी। तुम्हें नींद आ गई थी तो फिर ये हुंकारे कौन भर रहा था? बाहर निकल कर देखा भोलेनाथ ने तो एक तोता वहां बैठा हुआ था। क्रोध आया, त्रिशूल लेने गए भोलेनाथ और दौड़ पड़े तोते को मारने के लिए। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ। तोता उड़ते हुए वेदव्यास जी की कुटिया में प्रविष्ट हो गया, अंदर चला गया और वहां वेदव्यास जी की पत्नी रजो धर्म से निवृत्त होकर के अपने केश सुखा रही थी और केश सुखाते सुखाते जमाई आई कि तोते ने छोटा सा रूप बनाया और मुख द्वार से होते हुए गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे कभी तो निकल कर आएगा कुटिया से बाहर। वो तोता तो गर्भ में पहुंच गया, जाकर बैठ गया। बहुत देर बाद जब वेदव्यास जी पधारे, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप किस कारण पधारे? भोलेनाथ कहते हैं, आपकी कुटिया में हमारा एक चोर छुपा है। व्यास जी को हंसी आई, आपका चोर? आपके पास है क्या जो चुरा लिया? क्रीम पाउडर की जगह आप भस्म लगाते हो, वस्त्र आभूषण की जगह दुनिया हार पहनती है, माला पहनती है, आप सर्प बिच्छुओं को लटकाते हो, फिर आपके पास ऐसा है क्या जो चुरा लिया गया चोर ने? भोलेनाथ बोले, हमने देवी को अमर कथा सुनाई थी और वही अमर कथा इस तोते ने चोरी से सुनी है, चोरी से सुनी है इसलिए ये पापी है, ये दंड का अधिकारी है, इसे तो दंड हम देंगे ही। वेदव्यास जी बोले, क्या कहा आपने? तोते ने अमर कथा सुनी है? तो भोलेनाथ, आप ही कहते हो जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अब चाहे इसने चोरी से सुनी है या कैसे भी सुनी है, लेकिन कथा तो सुनी है ना? हाँ, अमर कथा तो सुनी है। और फिर यदि अमर कथा इसने सुनी है
तो क्या ये अमर नहीं हो गया? यदि ये अमर नहीं हुआ, आपने इसे समाप्त कर दिया, मार दिया, तो फिर लोग अमर कथा को झूठा मानने लगेंगे। अमर कथा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए प्रभु अब आप ही बताओ कि कैसे समाप्त कर सकते हो। तब भोलेनाथ को स्मरण आया, याद आया, अरे हम भूल ही गए थे कि इसने पूरी अमर कथा को सुनाई। तब भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत पर गए। सत्यता यही है, कथा का एक एक विचित्र अलग नियम है। कथा को सुनने के लिए एक आसन होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने शिष्यस्ते एवं, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं, प्रणाम किया, तो हनुमान जी भी पहुंच गए वहीं। हे प्रभु, मैंने भी आपसे गीता का ज्ञान लिया है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हनुमान जी आपने कहां ज्ञान लिया? आपकी ध्वजा के ऊपर मैं बैठा था, आप जिस रथ पर खड़े होकर के गीता का ज्ञान दे रहे थे, उसी रथ की ध्वजा पर मैं बैठा हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने वक्ता से ऊपर बैठ करके कथा सुनी है, जाओ तुम पिशाच हो जाओ। तब हनुमान जी पिशाच जाकर बने। पिशाच गीता का पाठ करने से हनुमान जी ने फिर पिशाच योनि से मुक्ति पाई। इसलिए कथा का एक नियम है कि कथा को प्रयास ये करें कि धरती पर बैठकर ही सहन करना सुनना चाहिए। यद्यपि कोई कारणवश वृद्ध बालक बीमार व्यक्ति के लिए ये नियम नहीं है, और कथा हो सके ऐसा भी ना पीछे बैठकर भी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सन्मुख होकर के बैठ सुनना चाहिए, सामने होकर के कथा को श्रवण करने का नियम बताया गया है। इस प्रकार से भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत पर गए। आइए भोलेनाथ को हम और आप सभी स्मरण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया की रखवाले, डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। सभी तालियों की सेवा करते हुए शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर
बनाए भोले राम भोले राम भोले राम भोले राम। लोक के स्वामी होकर भी क्या ओझल रूप बनाए कर रे डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए तोरे नाग गले लपटाए तुम त्याग के अमृत पीते हो भोले बिस के प्याले शिव शंकर नब रूपाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर नब रूपाले शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर नब रूपाले शिव शंकर भोले बारह वर्ष तक वो तोता अपनी माँ के गर्भ में ही रहा। वेद व्यास जी की पत्नी वेद व्यास जी से कहने लगी, स्वामी ये बालक जन्म ही नहीं लेता, इतने दिन हो गए इसे गर्भ में रहते रहते मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत बहुत दर्द होता है। तब वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान में परमहंस का दर्शन हुआ। समझ गए कि बालक साधारण नहीं है। दिव्य वाणी से वेद व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम बाहर आओ। अंदर से ही आवाज आई, पिताजी भगवान की माया मुझे बाहर आते ही घेर लेगी, इसलिए मैं जन्म ही नहीं लेना चाहता। तब वेद व्यास जी ने कहा, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, ये भगवान की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही माता पिता को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेते ही घर को छोड़कर जंगल के लिए चल दिए। पिताजी पुत्र के विरह में बेटा बेटा कहकर चिल्ला रहे थे। जैसे जंगल में वेद व्यास जी पुकारते चिल्लाते बेटा, तो मानो वृक्षों से भी पुनः वापस लौटकर आवाज आती। लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी पुनः लौटकर नहीं देखा। एक जगह अप्सराएं कुछ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वहां से निकले चले गए। लेकिन वेद व्यास जी जब वहां आए ना, तो वेद व्यास जी को देख करके उन अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी का मन चिंतित होने लगा, मेरा पुत्र यहीं से निकल कर गया तो ये निर्वस्त्र होकर नहाती रही और मैं आया हूं तो मुझे देखकर इन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। तब पूछा तो अप्सराओं ने कहा, आप पुरुष और स्त्री में भेद करते हैं, लेकिन जो आपका पुत्र गया है ना, वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता, वो सबके अंदर एक को ही देखता है, वो परमात्मा को ही देखता है। तब व्यास जी समझ गए कि अब ये लौटकर भी आने वाला नहीं है। कालांतर में एक कंदरा में जाकर के सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, समाधि लगाकर बैठ गए। वेद व्यास जी मन दुखी होकर अपने आश्रम पर बैठे थे। तो बैठे बैठे वेद व्यास जी ने, जब आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के बारे में विचार किया तो मन और ज्यादा दुखी हो गया। कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, भाग्य कम हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी,
तो फिर ऐसी अल्प आयु में, अल्प बुद्धि में कैसे लोग अपना कल्याण कर पाएंगे? एक वेद के चार वेद कर डाले, पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मन को कहीं कोई शांति नहीं मिली। नारद जी पहुंचे, नारद जी से प्रश्न किया कि मैंने इतना सब लिख डाला लेकिन फिर भी मेरे मन को कहीं कोई शांति नहीं है, मन फिर भी आज खिन्न है, उदास है, क्या कारण है? नारद जी ने समझाया, हे वेदव्यास जी, आपने जो वेदों में लिखा है ना, उसे कोई समझने वाला नहीं है। वेदों में जो अपने दिव्य मंत्र लिखे हैं, और उन मंत्रों को कोई समझने वाला तो हो, कोई समझ ही नहीं पाता। और जब समझ नहीं पाएंगे तो लोगों का कल्याण कैसे हो पाएगा? यदि आप जब तक भगवान के गुण गणों की चर्चा नहीं करोगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, तब तक लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इतना कहा कि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, और सरस्वती नदी में स्नान करते ही हृदय में भागवती गंगा प्रकट हो गई। वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए। धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों की सुंदर दिव्य संहिता लिख करके तैयार हुई। अब प्रश्न उठा, इतनी दिव्य संहिता है, श्रीमद् भागवत है, तो इसे सुनाया किसे जाए, क्या करें? क्यों? बोल जितना दिव्य ग्रंथ है उसे सुनने वाला भी उतना ही द्रव्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जो जैसी वस्तु होती है उसे वैसी ही जगह, वैसी ही स्थान पर रखा जाता है। जैसे दूध है, दूध को रखने के लिए बर्तन एकदम स्वच्छ होना चाहिए। थोड़ा भी खट्टा बर्तन होगा तो कितना भी दूध क्यों ना हो, सब दूध खराब हो जाएगा। बोलो हां जी की ना जी। ऐसे ही दूध की तरह ये श्रीमद् भागवत पवित्र है, तो इसे रखने वाला हृदय भी पवित्र ही होना चाहिए। तब अपने कुछ शिष्यों को वेदव्यास जी ने श्लोक भागवत के याद कराए और कहा, इन श्लोकों को तुम गुनगुनाते हुए भ्रमण करते रहो। शिष्य श्लोकों को गुनगुनाते हुए इधर उधर घूमते रहते थे, और जहां सुखदेव जी की समाधि लगी थी वहीं पर जब शिष्य निकलने लगे और शिष्यों ने श्लोक बोलना प्रारंभ किया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद वासः कनक कपिसम् वैजयंती च माला रंध्राण वेणुरदर सुदयो पूरयल गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक जब शिष्यों ने गुनगुनाया, गाया, तो समाधि में बैठे हुए सुखदेव जी के कानों में जब पड़ा तो समाधि खुल गई। और इस श्लोक में भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन दिया, भगवान कैसे सुंदर हैं, क्या उनका स्वरूप है, कैसा उनका श्रृंगार है, चलते हैं तो कैसे लगते हैं, खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं, ये सब इसमें विस्तार से वर्णन दिया। सुखदेव जी ने जब सुना कि इतने सुंदर हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है,
ऐसे श्याम सुंदर का तो दर्शन करना चाहिए, ऐसे श्याम सुंदर को तो देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। चलने लगे कि फिर विचार करने लगे, जरूरी नहीं कि जो देखने में सुंदर है वो व्यवहार से सुंदर होगा। कभी कभी ऐसा होता है जो देखने में सुंदर होता है उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, उनका स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। इसलिए सुखदेव जी को लगा जरूरी नहीं कि केवल देखने में सुंदर है तो स्वभाव से भी अच्छे हों। क्या पता स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो स्वभाव के ऊपर संशय हो रहा था, तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्थन काल कूटम जिंगान सयाया पिदया पिसाद्वी लेवे गतिम दात्रुचिता नतोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। स्वभाव के ऊपर संशय किया तो स्वभाव के बारे में बता दिया भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो बकीयम स्थन काल कूटम, बकीयम बकासुर की बहन कौन पूतना क्यों आई थी स्थन काल कूटम, अपने स्थनों में कालकूट विष लगा करके आई थी क्यों लाला को मारने के लिए। हंतुम इच्छा दृदिक्षा कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और जो कृष्ण को मारने आई थी अपने स्थनों में विष लगा करके, और जब उसे भगवान ने समाप्त किया तो फिर गति कौन सी प्राप्त कराई। भगवान कहते हैं चाहे कैसी भी है, पापी है, राक्षसी है, बच्चों का हरण करती है, बच्चों का रक्त पीती है, लेकिन काम तो इसने वही किया जो एक माँ करती है। जैसे माँ अपने बच्चे को स्तन पिलाती है वैसे ही इस पूतना ने भी मुझे अपने स्तनों को पिलाया है, इसलिए मैं गति से वही प्रदान करूंगा जो मैया यशोदा को प्राप्त होगी। और जब ऐसा स्वभाव देखा तो सुखदेव जी खिंचे चले आए। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उनका स्वभाव ही दया का है, और जिनका स्वभाव दया स्वरूप में है उनसे कैसे भी हम संबंध बनाए कल्याण सुनिश्चित ही है। विष है, विष को आप दूध मानकर पियोगे तब भी मरना पड़ेगा, पानी मानकर पियोगे तब भी मरना पड़ेगा। क्यों विष में तारक शक्ति है, वो मारक शक्ति है, वो मारने का काम ही करता है। और भगवान का नाम जाने अनजाने में कैसे भी लो, प्रेम से लो, क्रोध से लो, शत्रुता से लो, येन केन प्रकारेण कैसे भी लो, भगवान का नाम तो कल्याणकारी ही है। तो ए मोए नाते अनेक मानिए सोई भाव है, जो आपको उचित लगे वो संबंध भगवान से बनाना चाहिए। सुखदेव जी खींचे चले आए। सुखदेव जी ने कहा शिष्यों से हमें और भी ऐसे श्लोकों को सुनना है। तब शिष्यों ने कहा हमें तो जितने आते थे उतने सुना दिए, यदि और भी आपको सुनना है ना तो हमारे गुरुदेव के यहाँ चलो। तब वेदव्यास जी के पास आए, वेदव्यास जी भी प्रसन्न हो गए। जिस पुत्र को मैं बेटा बेटा कहकर पुकार रहा था एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वही पुत्र भागवत सुनने के लिए मेरे पास चला आया। तब सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी ने श्रवण कराई। समय आने पर यही भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सौनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुखदेव जी तो परम हंस हैं, वैरागी हैं, ज्यादा देर वो भी कहीं टिकते नहीं, रुकते नहीं, पर ऐसे भी वीतराग वैरागी परम हंस ज्ञानी महामुनि श्री सुखदेव जी एक जगह 7 दिन बैठ करके कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाते रहे, जरा विस्तार से बताइए।
तब परीक्षित का चरित्र श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृको दरावेद गदा विमर्षः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, तो कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ तो अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन का। भीम ने अपनी गदा से भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, चीर दिया। और दुर्योधन चीत्कार करते हुए, चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़ा। भीम ने पांडवों ने विजय का शंख बजाया और अपने शिविर में चले गए। पांडव विजय का शंख बजा करके जो शिविर में गए, इधर दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, रो रहा है, चीत्कार कर रहा है। वहीं पर अश्वत्थामा पहुंच गया। हे मित्र, ये जो दशा, जो स्थिति आज तुम्हारी है ना, इसके कारण तुम ही हो। क्यों ऐसा मैंने क्या किया? अरे तुमने अपनी सेना के सेनापति उन्हीं को बनाया था जो केवल शरीर से तुम्हारे साथ थे और मन से पांडवों के साथ थे। यदि तुमने अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाया होता, हमें बनाया होता, तो आज ये तुम्हारी दशा ना होती। दुर्योधन कहता है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा कहता है कि मैंने भी तुम्हारा नमक खाया है। इसलिए मैं भी प्रयास तो करूंगा कि जितना हो सके वो करूं। तब अश्वत्थामा चल दिया, विचार करने लगा, पांचों पांडव जीवित हैं, सुसज्जित हैं, छठे नारायण उनके साथ हैं, कैसे मार सकता हूं और मैं अकेला हूं? तो काक उल्लू का न्याय अश्वत्थामा को समझ आया। विचार करता है, क्यों ना जिस प्रकार से हजारों कौओं पर रात में उल्लू आक्रमण करता है, कौए सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आक्रमण हो गया, और अकेला उल्लू हजारों कौओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जीत जाता है। तो क्यों ना मैं भी पांडवों पर रात में ही आक्रमण करूं। रात्रि का इंतजार किया, जहां रात हुई तो वहीं पर भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से कहा, अरे पांडवों, आज तुमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया है, क्या इस रात्रि को तुम सोते ही गवाना चाहते हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं, आज विजय की रात्रि है, आज घूमना है। और पांचों पांडवों को साथ लेकर के द्वारिकाधीश चल दिए। और कौतूहल हुआ ऐसा कि जिस बिस्तर पर पांडव सोते थे उसी बिस्तर पर पांडवों के पांचों पुत्र आकर आज सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में आक्रमण बोलता है, पांचों पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ बैठा, पांचों का सर धड़ से अलग कर दिया, पांचों पांडवों के पुत्रों को समाप्त कर दिया, पांचों का सर इकट्ठा किया, एक वस्त्र में बांध करके चल दिया, लेकर पहुंचा जहां दुर्योधन रो रहा था। हे दुर्योधन, तुम एक ही बात कर रहे थे, क्योंकि दुर्योधन से पूछा किस बात का दुख है, तो दुर्योधन ने एक ही बात कही थी,
मुझे इस बात का दुख नहीं कि हम इतने भाई थे सब मारे गए। मुझे दुख है तो केवल इस बात का कि पांडव पांच भाई थे और पांचों जीवित हैं। यदि उनमें से एक भी मर गया होता तो दिल को तसल्ली मिली होती, आराम से मैं अपने शरीर को त्याग दिया होता। जरा ध्यान दें, दुर्योधन क्या कह रहा है? मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि हम इतने भाई सारे मारे गए, पर दुख किस बात का है? पांडव पांच हैं और पांचों जीवित हैं। इसका मतलब अपने दुख से दुखी नहीं हो रहा, अपने भाई मारे गए इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। किस बात का दुख है? पांडवों की प्रसन्नता का कि पांडव आज जीवित हैं, इस बात का दुख दुर्योधन मना रहा है। विचार किया जाए तो यही स्थिति हम लोगों की भी होती है। बोलो राधे राधे। हम लोग भी जितने दुख दुखी अपने दुख से नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी होते। हम वही पुराने घर में रह रहे हैं, उन्होंने देखो इतना अच्छा घर बना लिया। हम गांव में ही रह रहे हैं, देखो उसने शहर में भी घर बना लिया। तो ये दुख का कारण क्या है? दुर्योधन भी वैसे ही दुखी पड़ा था रणभूमि में, चीत्कार रो रहा था कि अश्वत्थामा पहुंच गया। कहता है, हे दुर्योधन, तुम एक ही बात करते थे, मैंने देखो पांचों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, कहता है प्रमाण दो। अश्वत्थामा ने जाकर वो पोटली खोल दी। देखो तुम्हें यदि विश्वास नहीं तो मैं प्रमाण के लिए लाया है। तो जो पांडवों की जो पुत्र थे, जो बच्चे थे, देखने में पांडवों की तरह दिखाई पड़ते थे। दूर से दिखा तो लगा जैसे पांडव ही हैं, लेकिन भीम जैसा दिखने वाला सर लिया पकड़ा तो दुर्योधन पहचान गया ये भीम नहीं हो सकता। समझ गया ये भीम नहीं, भीम का पुत्र है। और दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, इन बच्चों से मेरी क्या शत्रुता? इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी दुश्मनी, मेरी शत्रुता तो केवल और केवल पांडवों से है। इन बच्चों को तुमने समाप्त कर दिया, इन बच्चों को तुमने मार दिया, और इनको मारने के बाद तो कोई हमारे वंश में तूने जल देने वाला ही नहीं छोड़ा। कौन हमें जल देगा? ऐसा कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा घबरा गया, यदि पांचों पांडव जीवित हैं तो वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। छुपने लगा इधर उधर जाकर के। इधर सवेरा जब हुआ, प्रतिदिन की तरह द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई तो आज शिविर में देखा रक्त ही रक्त बह रहा है। माँ का हृदय पिघल उठा, रो उठी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य गीतम् परिताप्यमानम्, निशम्य घोरम् परिताप्यमानम्। द्रौपदी रोई चिल्लाई, रोने की आवाज जब पांडवों ने सुनी दौड़े चले आए। अर्जुन ने देखा पांचों बच्चे मरे हुए हैं, धड़पड़ा हुआ है, बिकल उठा अर्जुन भी। क्षत्रिय देह के कारण क्रोध जाग गया और प्रतिज्ञा ली, हे देवी, जिसने भी तुम्हारे बच्चों की ये स्थिति की है उसे तुम्हारे सामने लाकर मैं मृत्यु दंड दूंगा। कृष्ण को साथ लेकर चल दिए अर्जुन जाकर के। जब उसी दिशा में पहुंचे और देखा अश्वत्थामा ने कि अर्जुन आ रहा है रथ में बैठकर, साथ में द्वारकाधीश भी है, तो डर गया, कांपने लगा। डर के कारण
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन घबरा गया। द्वारिकाधीश ने समझाया, अरे अर्जुन तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र को शांत करना भी जानते हो, तो क्यों ना शांत करो। तब ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दौड़ कर गए अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांधना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते, इसे मार क्यों नहीं देते, ये बच्चों का हत्यारा है। अर्जुन कहता है, हाँ हाँ प्रभु, इसे दंड तो मैं दूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है कि द्रौपदी के सामने ही इसे मैं दंडित करूंगा। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रथ में अश्वत्थामा को पटका और पटक करके ले आए। द्रौपदी जहां बैठी हुई थी, रोदन कर रही थी, ला करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लो देवी, यही है वो जिसने तुम्हारे बच्चों का वध किया, यही है वो तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बताओ क्या दंड दे इसे। द्रौपदी ने जब सर उठाकर अश्वत्थामा की तरफ देखा, तो दौड़ पड़ी अश्वत्थामा की तरफ, दौड़ करके अश्वत्थामा जिन रस्सियों से बंधा पड़ा था, उन रस्सियों को खोलना प्रारंभ कर दिया। मुंचिता मुंचिता ब्राह्मणो नित राम गुरु, मुंचिता मुंचिता इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्यों, ब्राह्मण नित राम गुरु, ये ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण ही नहीं, ये तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र भी है, जिससे तुमने धनुर्विद्या सीखी है, जिसके कारण आज तुम इतना बड़ा युद्ध जीत पाए हो, वही गुरुदेव का पुत्र ये अश्वत्थामा है। आज गुरुजी तो है नहीं, वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु के समान गुरु पुत्र होता है। गुरु नहीं है लेकिन गुरु पुत्र है, तो यही गुरु का ही एक स्वरूप है। पिता का अंश रूप में पुत्र ही प्रकट होता है, जन्म लेता है, गुरु के अंश रूप में शिष्य ही प्रकट होकर अंश अवतरित लेता है, ऐसे ही ये भी तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, तो ये भी गुरु समान ही है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं जानती हूं एक पुत्र पीड़ा क्या होती है, एक माँ से एक बेटा भी दूर चला जाए तो माँ कैसे अपना जीवन बिताती है, वो एक केवल और केवल एक माँ ही जान सकती है। मेरे पांच पांच पुत्र मुझसे अलग हो गए, इसने समाप्त कर दिया, मैं जानती हूँ पुत्र पीड़ा क्या होती है, लेकिन मुझे पता है इसे यदि हमने मार दिया, समाप्त कर दिया, तो इसे समाप्त करने से मेरे पांचों पुत्र जीवित नहीं हो सकते, लेकिन जो कष्ट मैं भोग रही हूँ, जो दुख मैं झेल रही हूँ, मैं नहीं चाहती इस अश्वत्थामा की मां को भी भोगना पड़े। मेरे तो पांच पांच पति जीवित हैं, मैं अपने पत्नियों पतियों के सहारे ये जीवन निकाल सकती हूँ। एक स्त्री के लिए पुरुष का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, पति नहीं तो पुत्र सही, मेरा पुत्र नहीं है तो मेरे पति तो साथ हैं। इसके पति इसकी माँ की पति तो नहीं है, लेकिन यदि तुमने इसे भी समाप्त कर दिया तो इसकी माँ किसके सहारे अपने जीवन जिएगी, इसलिए इसे तुम छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मारो दस्ति जननी गौतमी पति देवता, इसे तुम छोड़ दो, मत मारो मत मारो। युधिष्ठिर ने भी कहा, सुनो अर्जुन, द्रौपदी ठीक कहते हैं, इसे हमें मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। भीम कहता है तुम सब छोड़ दो, लेकिन ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है,
मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसने इतना बड़ा पाप किया है। अरे कोई एक मतवाले हाथी पर, एक स्त्री पर, नादान बच्चे पर कोई हाथ नहीं उठाता। इसने तो उन पांच पांच बच्चों को मारा है, ये दंड का अधिकारी है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। एक तरफ युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, दूसरी तरफ भीम और अर्जुन कह रहे हैं इन्हें नहीं छोड़ सकते। बात उलझ गई, बात बहुत ज्यादा फंस गई, लेकिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अभी भी शांत खड़े हैं, दूर खड़े हैं। अर्जुन की जब नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, देखा, एक समय वो था मैं युद्ध से भाग रहा था, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, तो गीता का ज्ञान दिया और मुझे युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया, और आज मैं यहाँ फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ, क्या करना चाहिए, ये विषम परिस्थिति मेरे सामने आ गई है, और ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये शांत खड़े हैं, तब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मैं जानता हूँ समस्या कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी जटिल हो, लेकिन आप उसका समाधान चुटकियों में कर देते हो, और आप एकदम मौन खड़े हो। भगवान बोले, सुनो, सलाह किसी को तब दे जब कोई सलाह मांगे, बिना मांगे सलाह दी जाए तो सलाह का कोई महत्व नहीं होता। और तुम आपस में लगे हो, हमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, इसलिए हम शांति ही खड़े हैं। भगवान इसलिए भी शांत थे कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो समय आने पर जब गुरु ज्ञान देते हैं तो समय आने पर शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, इसने ज्ञान अपनाया है या नहीं, इसने ज्ञान को हृदयंगम किया है या नहीं, वो परीक्षा गुरु लेते हैं। तो भगवान ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो आज परीक्षा भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन की ले रहे हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। भगवान कहते हैं, सुनो, जब समस्या फंस जाए ना तो हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं आपके शास्त्र? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतताई वदारहण मयि वो भेमाम नातम परिपायानुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात कह रहे हैं, आतताई वदारहण, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मानो पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक तरफ कह दिया, सुनो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और अश्वत्थामा पापी भी है, क्योंकि उसने बच्चों का वध किया है। मैं वो मामनातम परिपाय अनुशासनम। एक दृष्टि से देखे कि युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं और राजा भी हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो, उनकी बात का आज्ञा पालन तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का पालन प्रतिज्ञा का पालन है, तुमने प्रतिज्ञा की है, कहीं तुम अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल जाना। तो याद भी दिला दी। अर्जुन बोला, ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात ही नहीं करता, इसका जो भी कार्य सब टेढ़ा, चलना तो टेढ़ा, खड़ा होना तो टेढ़ा, और अब सलाह मांगी तो वो भी टेढ़ी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह दिया पापी है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्या करें? और बात ज्यादा फंसा दी। लेकिन अर्जुन
गीता का ज्ञान ले चुके थे, उस ज्ञान को हृदयंगम कर चुके हैं, इसलिए समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। माननीय जो महापुरुष होते हैं उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, तो क्या करें, उनका अपमान कर देना चाहिए, घर से भगा देना चाहिए, छोर अर्ध छोर कर्म कर देना चाहिए। वपनम द्रवड़ादानम स्थानान निर्यापनम तथा एसेव ब्रह्म बंधुना मदो नान्योस्ति देहि कहा। ये दंड ब्राह्मणों के लिए बताए हैं, माननीय पुरुषों के लिए बताए हैं, ऐसा उनके साथ कर देना चाहिए। वैसा ही किया, अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि को निकाला गया और शिविर से धक्के देकर भगा दिया गया। इस अपमान को अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया और प्रतिज्ञा ले ली, अब इनके वंश में कोई जल देने वाला मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर याद करने लगा कि इनके वंश में है कौन, याद आया अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ में शिशु है और मैंने यदि उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया, गर्भ में ही नष्ट कर दिया, तो फिर कोई नहीं बचेगा इस पुरु वंश में। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान सबसे विदाई दे रहे थे द्वारिका जाने के लिए, सबको आशीर्वाद दे रहे थे कि आशीर्वाद देते रहे। उधर देवी उत्तरा दौड़ कर आई और आते ही श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पसे यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, तीनों लोकों में आज मेरे गर्भ को बचाने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं चाहे मर जाऊं, मैं चाहे भले ही समाप्त हो जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा आप करो। भगवान ने जब उठाया उस देवी को, कौन है, तो देखा देवी उत्तरा, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है और मेरा गर्भ जला जा रहा है, इसलिए आप प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। समय कम था, समय का अभाव था, इसलिए भगवान ने देर ना की और तुरंत उसी क्षण सूक्ष्म रूप बनाया और सीधे उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंच गए। जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किया और बालक की रक्षा उत्तरा के गर्भ में की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धन्य है देवी उत्तरा। अभी तक भारत वर्ष में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भक्तों को भी रखा है, प्रहलाद और ध्रुव के रूप में। ऐसी भी माँ बहुत हुई है जिन्होंने अपने ही गर्भ में भगवान को भी रखा है, देवकी कौशल्या देहूति के रूप में। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा जिसने एक ही साथ भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा है। भक्त राजा परीक्षित तो पहले से ही बैठे हैं, भक्त की रक्षा करने, भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में जाकर पहुंच गए। बाहर निकल कर आए, फिर से सभी को अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया और ये सब एकदम शीशे की तरह साफ बुआ कुंती दे रही थी। इतना बड़ा काम कर दिया गोविंद ने, इतना बड़ा हमारी वंश की रक्षा की है, वंश धर को बचाया है और कोई साधुवाद नहीं दे रहा, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। कुंती आई और भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्भैरवेष्टितम्। हे प्रभु,
बाहर भी और भीतर भी हर जगह आप ही व्याप्त हैं। अंतर वही रवि स्थितम, बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों जगह आप व्याप्त हैं, आप निवास करते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं किसी प्रणाम कर रही हूँ, मैं मेरे भाई वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही, मैं मेरे भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, किसे प्रणाम कर रही है? ईश्वरः प्रकृति परम, जो रहते हैं प्रकृति में, संसार में रहते हैं, फिर भी प्रकृति से परे दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? माया जवलिका छन्नम, माया का घूंघट हमारी जो आंखों पर लगा है और माया का घूंघट हमें परमात्मा को दिखने नहीं दे रहा, रहते हमारे बीच है और प्रभु ये संसार में जो भी हो रहा है ना, वो सब आपका ही प्रदत्त है, आपके द्वारा ही किया जा रहा है, ये भगवान की ही लीला से सब संभव है। हम केवल और केवल निमित्त हैं। कुंती स्तुति कर रही है, प्रभु इतने बड़े संकटों से जो आपने हमें संवारा है, बचाया है, आज इतना बड़ा राजा मेरा पुत्र बन गया, ये वैभव हमें प्राप्त हुआ, ये संसार में जो सब दिख रहा है सब आपसे ही है। ये चमक ये दमक फूल बन में मह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, ये चमक ये दमक फूल बन में मह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूल बन में मह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, में बाहर तुम्हीं से है, चमक ये दमक फूल बन में मह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दुख की लेते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सुख दुख की लेते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरी नैया के मनहार हो तुम, मेरी नैया के मनहार हो तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है, चमक ये चमक फूलों में मह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में है रोबत नैना, तोरी प्रीत में है रोबत नैना, मैं
बात भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोवत है नैना तोरी प्रीत में रोवत रग में बसी है प्रीत तेरी रग रग में बसी है प्रीत तेरी अखियन में खुमार तुम्हें से अखियन में बुआर तुम्हें से है अखियन में बुआर तुम्हें से है चमक ये चमक फूल मन में बह सब कुछ सरकार तुम्हें से है सब कुछ सरकार तुम्हें से है मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो जीवन संगार तुम्हें से ये चमक ये चमक फूल मन में महक सब कुछ सरकार तुम्हें से है सब कुछ सरकार तुम्हें से है भूल गई सब सुख चेहरा और जब से लड़े तुमसे लेना और जब से लड़े तुमसे लेना और जब से लड़े तुमसे लेना तो भूल गई सब सुख चेहरा और जब से लड़े तुमसे लेना और जब से लड़े तुमसे लेना और जब से लड़े नस में है तोरी मेरी नस नस में है तोरी मेरा सब आधार तुम्हें से है मेरा सब आधार तुम्हें से है मेरा सब आधार तुम्हें से है कोई नहीं है दुनिया में मेरा कॉल करार तुम्हें से है मेरा कॉल करार तुम्हें से है मेरा कॉल करार तुम्हें से है मेरा कोई नहीं है दुनिया में मेरा कॉल करार तुम्हें से है मेरा कॉल करार तुम्हें से है मेरा कॉल करार सब व्यापार तुम्हें से है मेरा सब व्यापार तुम्हें से है ये चमक फूल मन
में है सब कुछ सरकार तुम्हें से है सब कुछ सरकार तुम्हें से है इठला के पवन चुमे सैया के चरण इठला के पवन चुमे सैया के चरण बगिया में बहार तुम्हें से बगिया में बहार तुम्हें से है सब कुछ सरकार तुम्हें से सब कुछ सरकार तुम्हें से सब कुछ सरकार तुम्हें तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कुंती स्तुति गा रही है हे प्रभु जीवन में जो भी है सब आपका ही है आपका ही दिया हुआ है आपका ही प्रदत्त है ये सब आपकी कृपा है बोलिए मां की बिहारी लाल की जय हो कुंती स्तुति गा रही है ऐसे हमें भी भगवान की प्रति समर्पण हो जाना चाहिए दुनिया को जब हम छोड़कर भगवान के हो जाते हैं ना तो भगवान भी दौड़े चले जाते हैं लेकिन हम दुनिया को छोड़ कहां पाते हैं छोड़ भी तो नहीं पाते मंदिर में जाते हैं तो भगवान की चर्चा कम दुनिया वालों की चर्चा ज्यादा होती है भक्ति में 10 अपराध है कितने 10 महापाप हैं भक्ति करते समय पहला पाप मंदिर में जाएं तो समर्पण भाव से जाना चाहिए ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी जाना भैया मंदिर हो जाना अभी तो एक ड्यूटी सी निपटानी है ऐसा नहीं करना चाहिए बड़े भाव से श्रद्धा सरल स्वभाव लेकर के मंदिर जाएं प्रार्थना करें पूजा अर्चना करें जिस देवता के सामने है उन्हीं की प्रार्थना करें ये भी शास्त्र का नियम है राम जी का मंदिर है तो राम जी की प्रार्थना करें मंदिर में अंदर अन्य संसारियों की लोगों की चर्चा करने वाले को महापाप लगता है इसलिए मंदिर में जब तक हैं तो अन्य अंदर महापाप से बचना चाहिए भक्ति करते समय कानों से भी भक्ति होती है आंखों से भी भक्ति होती है मुख से भी भक्ति होती है हाथों से भी भक्ति होती है पैर से भी भक्ति होती है ये इंद्रियों से भक्ति होती है एकादशी 10 इंद्रिय और एक मन दोनों मिला के हो गए 11 माने एकादशी का व्रत व्रत का मतलब एकादश 10 इंद्रियों और एक मन को भगवान के चरणों में जो समर्पण कर देता है सरल सहज होकर के मानो उसने एकादशी का व्रत कर लिया अब इंद्रियां तो लगी दुनिया में और फिर भूखे मर रहे हैं ऐसा व्रत सार्थक नहीं होता कुंती स्तुति गा रही है माया जवनिका छन्नम अद्याधोक्षजमव्ययम् न लक्षते मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा हे प्रभु जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है और अपने जादू से कभी कुछ बना देता है कभी कुछ बना देता है और लोग सब अचंभित हो जाते हैं इतने ये ऐसा कैसे बना दिया इसने ऐसा कैसे करके दिखा दिया
सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जादूगर के साथ एक और होता है जिसे कहते हैं जमूरा। वो जादूगर का जमूरा है, वो एकदम शांत खड़ा रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिल्ली बनाए या मुर्गा बनाए, कुछ भी बनाए, बाकी दुनिया अचंभित हो गई। अभी अभी क्या था और इसने क्या बना दिया, देखो इसने नोटों की गड्डी दिखा दी बना करके, सब दुनिया अचंभित है, लेकिन जमूरा आराम से खड़ा है। क्यों? वो जानता है जादूगर की कला कि ये सब जादू है। ऐसे ही भगवान है जादूगर और हम सब हैं देखने वाले। भगवान अपने जादू से, माया द्वारा जादू से यहाँ सब हमें दिखाते रहते हैं और हम देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं, ऐसा ये इसने कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, अनन्य जो सेवा करते हैं भगवान की, अनन्य भाव से भगवान को याद करते हैं, वो भगवान की माया को पहचान जाते हैं। तो भले ही दुनिया में कुछ भी हो, पर वो जादूगर का जो जमूरा है ना, वैसे ही भगवान के भक्त हो जाते हैं। वो हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं। माया जवलिका छन्नम, भगवान है फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोले हैं तो हमारे बीच में भी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा हमारी आंखों पर लगा है। साधु संत गाते हैं, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। ये घूंघट क्या है? बोलिए माया रूपी घूंघट है, हमारी आंखों पर पड़ा है। जब तक ये माया का घूंघट नहीं हटेगा, तब तक भगवान का दर्शन हमें नहीं होगा। बुआ कुंती स्तुति गा रही हैं। भगवान कहते हैं, बुआ मैं आपके भाई वसुदेव की सबसे छोटी संतान हूं, आप भतीजे को प्रणाम कर रही हो, मैं आपका भतीजा हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, उल्टा आप मुझे ही प्रणाम कर रही हो। तब कुंती कहती है कि मैं जानती हूं तुम कौन हो, खूब प्रयास करती हूं, लेकिन जब परमात्मा का आप तुम्हारे अंदर दर्शन करती हूं, गुणगान करना चाहती हूं, तभी तुम मीठी मीठी वाणी में बुआ बुआ कहकर के मुझे खींच लेते हो, और मैं भगवत्ता भूल जाती हूँ। फिर सोचती हूँ ये तो मेरे वसुदेव भाई का ही तो पुत्र है, मेरा भतीजा है, लेकिन आज चुप खड़े रहो, शांत रहो। भगवान बोले, बुआ तुम इतना कह रही हो तो मैं आपका भतीजा हूँ, अब मैं आज आपके यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देख कर जाऊँ। अच्छा, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं, तो क्यों ना आप ही कुछ मांगो। ध्यान देना, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि मांगो क्या मांगना। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे मैं हर स्थिति में, हर समय, कैसी भी विषम से विषम समय में परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं सत्य को कभी ना छोड़ूं, सदैव सत्य मार्ग पर मैं चलूं, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर आप बनाए रखें। भीम का नंबर आया, भीम आप भी मांगो। भीम ने कहा, महाराज हम तो वैसे ही बदनाम हैं, सब लोग कहते हैं खाने में नंबर एक है, एक तरफ आधा इसके लिए बनता है और आधा सबके लिए बनता है, तो बस हम तो यही कहेंगे, हंसते गाते खेलते खाते पीते सोते बस आपका ही गुणगान करते रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव से कहा, आप भी कुछ कहो, हम हमारे बड़े तीनों भाइयों की सेवा में लगे और बीच बीच में ऐसे ही आपका भी दर्शन होता रहे, बस और कुछ हमें नहीं चाहिए। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, महाराज शिष्यस्ते हम, मैं तो आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, बस यही कृपा बनाए रखे, मैं आपका चेला ही बना रहूं, कभी गुरु ना बनने की कोशिश करूं, क्योंकि वरना आजकल लोग थोड़ा भी जान जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए ना, तो गुरु को गुड़ बनाने में देर नहीं करते, बोलो राधे राधे। हाँ,
जबकि गुरु तो गुरु ही होते हैं, वो गुण नहीं हो सकते। जरा विचार करें, जिस समय जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उसी समय उसी स्थिति में गुरुदेव भी तो रह रहे हैं, तो जो अनुभव हमारा बढ़ रहा है वो गुरु जी का नहीं बढ़ेगा। गुरु गुण कैसे हो सकते हैं? एक बार दो चेला थे बहुत चतुर, गुरु जी के आश्रम पर रहते थे। अब गुरु स्थान पर रहते थे, गुरु जी उनसे जब कोई सेवा की कहते, काम की कहते ना, तो बहाना लगा देते इधर उधर की बात, सेवा नहीं करते थे। गुरु जी परेशान, चेला भी मिले तो ऐसे मिले, क्या करें। एक दिन गुरु जी ऐसे तखत पे बैठ गए संध्या उपासन करने के लिए, आसन लगा करके, बाकी सब सामग्री रखी, पूरी सामग्री पास में रखी। गलती से तुलसी दल रखना भूल गए, गलती से तुलसी दल रखना, तुलसी दल माने तुलसी के पत्ते। पूजा करने प्रारंभ की तो याद आया कि आज भोग के लिए तुलसी दल तो रखा ही नहीं, चरणामृत कैसे बनाएंगे, तो शिष्यों को बुलाया, बेटा इधर आओ, आज हम पूजा के लिए तुलसी दल नहीं ला पाए, तो तुम जाकर के तुलसी दल ले आओ। शिष्यों को लगा लो अब ये और काम हमें ही करना, तो पहला सोचने लगा अगर तूने कह दिया कि मैं जानता हूं तो बस तुझे ही लाना पड़ेगा। तो कहने लगा महाराज मैं तुलसी दल कभी देखा नहीं, मैं जानता नहीं कैसा होता है। अब दूसरा बोला इसने तो लगा दिया बहाना, नंबर हमारा ही आना है। तो दूसरा उससे पहले बोला तू नहीं जानता इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं वही तो तुलसी दल है। गुरु जी बोले दोनों मूर्ख हैं, क्या क्या बल, लेकिन इनको ज्ञान तो मिलना चाहिए, ये ऐसे मानने वाले नहीं। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दोनों ही नहीं जानते हो, बगिया में बहुत सारे पौधे हैं, कैसे पता चलेगा तुलसी, कैसे बताऊं तुम्हें, यहां कहीं तुलसी और तुम मरवा ले आओ, हैं पता भी तो नहीं। तो गुरु जी को लगा एक ही उपाय, क्यों तुम दोनों तुलसी नहीं जानते, बोल गुरु जी नहीं जानते तो ला भी नहीं सकते, बोल नहीं ला सकते क्योंकि जानते नहीं। तो एक ही उपाय, तखत उठाओ और मुझे भी उठाओ और मुझे तखत सहित बाग में पहुंचा दो, कम से कम ये तो पहुंचा सकते हो। अब दोनों लगे भजन, गुरु जी भी हष्टपुष्ट हमारी तरह, तखत का वजन गुरु जी का वजन अब लगे बेचारे, जैसे तैसे पहुंचे रखा, बोल ये देख तुलसी का पौधा वहां तखत रख, गुरु जी ने तुलसी दल लिया, बोल अब फिर ले चलो। अब फिर लेकर आए जमाया, गुरु जी ने कहा पता चला तुलसी दल कैसा होता है, हाँ गुरु जी जान गए अब तो नहीं लोगे, बोल जीवन में कभी नहीं। तो गुरु तो गुरु ही है, तभी तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां कुंती बार बार कह रही है, और इधर बारी अब जब सभी पांचों पांडवों ने मांगा तो सुभद्रा की आई है। भगवान ने कहा सुभद्रा से तुम तो मेरी बहन हो, और यदि आज त्रिलोक्य का राज भी तुम मांगोगी ना तो मैं वो तुम्हें आज दूंगा, बस मांगो क्या मांगना चाहते। पांडव घबरा गए, हे भगवान कहीं दुनिया का सुख ये ना मांग ले। सब की नजर सुभद्रा की ओर, कहीं ये संसार की वस्तु ना मांग ले, कहीं ये संसार का सुख ना मांग ले। भगवान भी कहते हैं हे सुभद्रा आज जो भी मांगेगी बिना वो मैं तुझे दूंगा,
तुझे कहने में देर होगी, मुझे देने में देर नहीं होगी। मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है? सुभद्रा कहने लगी, प्रभु क्या मांगू मैं, सब कुछ तो मेरे पास है, और यदि देना ही चाहते हो ना तो हर स्थिति में आपको याद मैं करूंगा। मैं नहीं कहती कि बुढ़ापे में मुझे आपका स्मरण आए, मैं नहीं चाहती। क्यों? बुढ़ापे में तो न ठीक से है, माला पकड़ी जाती है, न मुंह से राम का नाम लिया जाता है, कमर तीन जगह से टेढ़ी हो जाती है, न बैठ पाते हैं, न चल पाते हैं, तो कहां फिर भगवान का भजन कर पाते हैं। इसलिए प्रभु अभी से, आज से ही मैं आपके चिंतन में लग जाऊं, आपके स्मरण में लग जाऊं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश के आंखों से अश्रु झलक आए और सुभद्रा को अंक से लगाया, सुभद्रा के बालों को मानो अपने अश्रुओं से बाहर भिगो दिया। पांडवों की तरफ सीना फुलाकर भगवान कहते हैं, देखा ना, ये मेरी बहन है, मेरी बहन है, ये संसार का सुख कैसे मांग सकती है, संसार की वस्तु कैसे मांग सकती है। अब कुंती बुआ से कहा भगवान ने, बुआ सबने मांगा है, मैं देख रहा हूं आज तक तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, मैं देखकर जाऊं, मांगू क्या मांगना चाहता हूं। कुंती बुआ कहती है, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हो ना तो मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां आए, इतनी विपत्तियां आए, इतने दुख आए, इतने दुख आए, इतने संकट आए कि मेरे जीवन में मेरे जीवन का अंत हो जाए, लेकिन मेरे जीवन में दुखों का कभी अंत ना हो। भगवान को लगा लो पूरा जीवन निकल गया, अभी भी जब मांगने की बारी आई तो क्या मांगती है कि मेरे जीवन में इतने दुख आए, संकट आए, विपत्तियां आए कि मेरे जीवन का अंत हो जाए, पर मेरे जीवन में आने वाली विपत्तियों का कभी कोई अंत ना हो। भगवान ने कहा, बुआ कुछ अच्छा मांग लो, कुछ और मांग लो। बुआ कहती है, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, मैं जानती हूं दुख जब होता है ना तो प्रभु से संबंध और गहरा हो जाता है। सुख में तो कभी कभी कोई प्रभु को याद करता है, लेकिन जब दुख संकटों के बादल मंडराने लगते हैं ना तो भगवान की याद अपने आप ही आने लगती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। हे प्रभु, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, आपको मैं भूल जाऊं। मेरे लिए वही आनंद है, वही सुख है जिस विपत्ति में, जिस दुख की घड़ी में आपकी याद मेरे बनी रहे। सुख के माथे सिल पड़े मानो पत्थर पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जा, बलिहारी गुरु आपके। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा।
ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए माधव जिस सुख में मैं आपको भूल जाऊं। इससे तो अच्छा है वो दुख ही मेरे पास बना रहे। केवल दुख आने पर आपका ही दर्शन नहीं होता, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप जब आते हो ना तो आपके साथ ऐसे ऐसे महापुरुष संतों का दर्शन होने लगता है जिनका दोबारा इसके बाद जन्म ही नहीं होगा। अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, इसलिए मुझे केवल दुख ही चाहिए। भगवान कहते बुआ, तुम्हारे जीवन में कम दुख आए क्या? कम संकट आए क्या? पूरा जीवन तो संकटों से घिरा हुआ है। बैकग्राउंड बंद करो भाई। पूरा जीवन संकटों से घिरा हुआ है। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ मथुरापुरी में। कुंती के चरित्र पर जरा नजर डालें। जन्म हुआ मथुरापुरी में महाराज सूरसेन के यहाँ। नाम रखा गया था इनका प्रथा, लेकिन सूरसेन के परम मित्र महात्मा कुंती भोज आ गए। ये प्रिय मित्र हैं सूरसेन के, आए कन्या प्रथा को लेकर के अपने महल में चले गए, अपने राज्य में चले गए। वहां प्रथा का नाम कुंती रख दिया। अब प्रथा कोई नहीं कहता, अब उससे कुंती कहने लगे। बाल्यकाल भी जरा ठीक से नहीं निकला माँ। हे बुआ, विवाह हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ जो बचपन से पीलिया का मरीज था, विवाह हुआ और विवाह के बाद भी पति को ऐसा श्राप लगा था, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ पत्नी के पास सहवास कामना के लिए जाओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा संकट, इससे बड़ा दुख एक स्त्री के लिए भला क्या हो सकता है। महाराज पांडु के दो पत्नियां कुंती और माद्री, वो तो भला हो दुर्वासा जी का जो आपको ऐसा मंत्र दे दिया और मंत्र देकर कहा जिस देवता को स्मरण करोगी, याद करोगी ना, वही देवता प्रकट हो जाएगा। और उसी मंत्र के प्रभाव से तुमने तीन अपने और दो माद्री के संतान पाई। पति भी पीलिया का मरीज, श्राप लगा है विषय भोग की कामना से, यदि तुम पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन अपने काम को रोक नहीं सके महाराज पांडु, माद्री के पास काम वासना लेकर गए। श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। युवा अवस्था में, जवानी में आप विधवा हो गई। पांडु के साथ भी माद्री भी सती हो गई। अपने पुत्रों को तुम्हें दे दिया। अब अकेली तुम पालने के लिए पांच पांच बच्चे, अकेली माँ कैसे पालन करे, कैसे लालन पर पालन करे? कम जीवन में संकट आए क्या तुम्हारे? इतने शत्रु हैं कि बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, घर में ही शत्रु बैठे हैं। कहां कौन कब आक्रमण कर दे, कौन प्रहार कर दे, ये पता ही नहीं चलता। घर में ही शत्रु घुसे हुए थे। अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, जहां भी कौरवों ने षड्यंत्र किए मारने के लिए, लाक्षाग्रह में जलान कर मारने का प्रयास किया गया। इतने संकट तुम्हारे जीवन में आए हुआ, क्या तुम तुम्हारा अभी भी इन दुखों से, इन संकटों से पेट नहीं भरता? बुआ कुंती कहती है, हे गोविंद,
मेरे जीवन में संकट भले ही आए हो, मेरे जीवन में दुख भले ही आए हो, लेकिन जहां दुख आते थे साथ में आप भी तो आते थे। तो वो मेरे लिए दुख नहीं, मेरे लिए वो संकट नहीं, जहां आप मेरे साथ हो वहां मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण है। वो मेरे लिए आनंद है। संकट और दुख कब होते हैं? जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाए, भगवान का विस्मरण कर दे, भगवान को भूल जाए, वो सबसे बड़ा संकट का क्षण होता है। और मैं तो आपको पल पल याद करती हूँ, पल पल याद करती हूँ। और जहां संकट मेरे जीवन में आता है, सबसे पहले संकट से पहले आप वहां आ जाते हैं। मेरी जीवन की गाड़ी मेरे लिए जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। सभी तालियों की सेवा करते हुए मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ने मुझ पर किया बहुत हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, दुख के बादल जब भी बढ़ जाते, श्याम नाम लेते ही छट जाते,
सच जाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो शाम से आता है, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो शाम से आता है। पीछे वाले जो चश्मा वाले बैठे उनका नहीं है ना, नहीं है ना, अगर श्याम सुनाता तो दोनों हाथ को उठा दीजिए और सभी गाएंगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी चलाता है, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है, घबराओ मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुआ कुंती ने बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई और मांग लिया दुख, जो वस्तु भगवान के पास है ही नहीं ऐसी वस्तु बुआ कुंती ने मांगी, क्योंकि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। कोई विद्यालय में जाकर कहे
कि हमें तो भूख लगी है, तो वहां भोजन नहीं मिल सकता। विद्यालय में तो विद्या ही प्राप्त होगी, भोजन यदि करना है तो भोजनालय में जाना ही होगा। और ये संसार है दुखालय, जो दुखों से भरा पड़ा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है। जिनके पास तन भी है और मन भी है तो वो धन से दुखी हो जाता है। किसी के पास खूब धन है लेकिन मन नहीं है, वो मन से दुखी हो जाता है। किसी के पास मन भी है, धन भी है, तन भी है, फिर भी वो दुखी है कि आगे कोई इस धन को खाने वाला नहीं है। बोलो राधे। उन्हें पुत्रेष्णा, पुत्र की काम तृष्णा जगा रही है, दुखी बना रही है। तो येन केन प्रकारेण, किसी ना किसी प्रकार से दुख हमारे हृदय में बना ही रहता है। बुआ कुंती ने जो स्तुति गाई, भगवान कहते हैं बुआ अब हमारे पास है ही नहीं तो कहां से दे, बस इतना ही करेंगे कि अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। पांचों पांडव प्रसन्न हो गए। ओहो, आखिर बुआ के प्रेम ने अपने भतीजा द्वारिकाधीश को रोक ही लिया। और फिर पुनः वापस आए। रात्रि के समय देखा युधिष्ठिर के कक्ष में देर रात्रि में अभी भी दीपक की वो लौ जलती हुई दिखाई पड़ रही है। द्वारिकाधीश ने जब देखा तो दीपक के पास एक टक लगाकर युधिष्ठिर महाराज दीपक को देख रहे थे, मानो गहरी चिंता में युधिष्ठिर जी लग रहे थे। द्वारिकाधीश ऐसी स्थिति को देख करके युधिष्ठिर जी के कक्ष में गए और जाकर युधिष्ठिर जी से पूछा। द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है युधिष्ठिर जी को पिता तुल्य सम्मान देते थे, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, इसलिए पिता की तरह सम्मान दिया करते थे। और युधिष्ठिर श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। कौन है? मेरे मामा जी का पुत्र है, मेरा छोटा भाई है, कृष्ण है, ऐसा भाव था। तो गए जाकर के पूछा क्या कारण है, क्यों दुखी हो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, अरे कन्हैया, तुम ये देख रहे हो ना, ये जो राज्य सब मुझे मिला है, ये जो सिंहासन मुझे मिला है, कितने लोगों को मैंने, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने बच्चों के पिता मारे गए उस युद्ध में, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे ही सगे संबंधी कितने मुझसे अपने दूर हो गए केवल एक सिंहासन के लिए। कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया, मुझे नहीं पता था। मैं आज इस सिंहासन को पाकर भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मैंने उन सबको, जब निकलता हूं प्रजा में जाता हूं तो अनाथ बच्चे नजर आते हैं, विधवा औरतें नगर में घूमती दिखाई पड़ती हैं, तो मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश समझा रहे हैं, खूब ज्ञान दिया। देखो, भगवान चाहे ना तो एक ही बार में समझा सकते हैं। बाली की, बाली को मार दिया भगवान ने, राम जी ने मार दिया, तो बाली की पत्नी तारा रो रही थी, मेरे स्वामी जी गए, मेरे स्वामी जी। तो मारने के बाद राम जी फिर गए तारा के पास, क्यों रोती हो?
और मेरे पति चले गए। राम जी ने कहा, राम जी ने कहा कहां गए, पड़े तो हैं, ये पड़े ना, बोलिए तो शरीर है, शरीर है, शरीर से ही तो तुम्हें प्रेम का बल, नहीं आत्मा से। तो सुनो, आत्मा कभी मरती नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं बाली की आत्मा तो जीवित है, तो फिर रोना किस बात का। यदि तुम आत्मा से नहीं शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर ये पड़ा पड़ा। एक ही सूत्र में, एक ही बात में बाली की पत्नी तारा का शोक दूर कर दिया। जबकि कोई कहे, जिसने उसके पति के सुहाग को उजाड़ दिया, विधवा बना दिया, और वही उपदेश कर रहा है कि क्यों रोती हो, पहले तो कोई उपदेश ही नहीं सुनेगा। पहले तो हमारे पति को मार दिया और अब उपदेश और सुना रहे हो। लेकिन भगवान चाहे वो कर सकते हैं। शांति दूत बनकर जा रहे थे दुर्योधन को समझाने की युद्ध ठीक नहीं है, ऐसे युद्ध करना उचित नहीं है, कितना बलिदान होगा, कितने लोगों की हत्या हो जाएगी। वो तो शांति दूत बनकर जा रहे थे तो द्रौपदी ने अपने केस दिखा दिया। महाराज जाते रहे हो लेकिन ध्यान रखना ये केस तभी बनेंगे। तो द्रौपदी से कह दिया भगवान ने, चिंता ना कर, मैं तो जा तो रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं वो मानेगा नहीं, इसलिए बस मुझे जाना है, लेकिन वो मानने वाला नहीं। तो भगवान चाहे तो उसे समझा सकते हैं। युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं लेकिन युधिष्ठिर जी मानी नहीं। एक और बात, उपदेशक के प्रति, मानो कोई ज्ञान दे रहा हो, समझा रहा हो, उपदेश कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, जब तक उसके प्रति गुरु का भाव नहीं जागेगा तब तक वो कितना भी अच्छा उपदेश करे वो उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। बढ़िया वेद वेदांति की भाषा में, व्याकरण साहित्य की भाषा में अच्छे प्रवचन, भाषण, सत्संग करें, प्रवचन दें, फिर भाव सुनने वाले का वो, अरे ये तो हमारा ही बच्चा है, तो फिर बहुत चाहे कितनी वेदांति भाषा में समझाए, उपदेश दे, वो उपदेश समझ आने वाला नहीं है। उपदेशक के प्रति, सुनाने वाले के प्रति गुरुत्व का भाव लाना ही पड़ता है, तभी वो बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो समझ गए कृष्ण कि यदि यही मैं जो बात मैं समझा रहा हूं ना, यही बात कोई बुजुर्ग समझाएगा युधिष्ठिर जी को तो ये बात समझ जाएगी। तभी याद आया, अरे पितामह भीष्म जी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो पांचों पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के यहाँ, बुआ कुंती को साथ लेकर, द्रौपदी को साथ लेकर श्री कृष्ण पहुंच गए। पांचों पांडवों को आगे कर दिया, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया पितामह भीष्म को, बाणों की संज्ञा पर पड़े हैं, तनिक भी हिलना कठिन है, मन ही मन सबको आशीर्वाद दिया। अर्जुन को देखा तो पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन द्वारकाधीश कृष्ण नहीं आए, जो हर पल तुम्हारे साथ रहते थे, आज कहाँ है वो, कन्या पीछे से आए। हाँ कहो दादाजी, हम भी हैं। तो फिर पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ ना। भगवान आगे खड़े हो गए। अर्जुन से पूछा पितामह भीष्म ने, जानते हो ये कौन है? हाँ, जानता हूँ। कौन है? बोलिए मेरे मामा जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, अरे अर्जुन अभी तो तुम्हें ही नहीं पता कि ये कौन है, कभी तो तुम गीता का ज्ञान लेकर के इन्हें अपना गुरु बना लेते हो, कभी घर का कोई समाचार लेने के लिए दूत बना करके, शांति दूत बना करके भेज देते हो, कभी घर की कोई सलाह लेने के लिए सचिव बनाकर तैयार कर देते हो, कभी इन्हीं की बहन से तुम विवाह करके इन्हें साला बना लेते हो, कितने नाते हैं तुम्हारे इनसे, कौन सा मानते हो?
पता है हे प्रभु, मैं इतने दिन से जो यहाँ पड़ा था बानों की सैया पर, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरी इच्छा थी जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक मैं ये देह त्यागने वाला नहीं। और अब आप आ गए हो ना प्रभु, तो मेरी भी एक प्रार्थना है, जब तक मैं ना चला जाऊं यहां से ये देह त्याग करके, तब तक आप जो की त्यों खड़े रहो। बोलो राधे राधे। भगवान द्वारकाधीश बोले अब क्या होगा, ये कहते हैं कि जब तक ये ना चले जाए तब तक यही खड़ा रहो। और इन्हें तो सब जानते हैं पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान था, और इनकी इच्छा नहीं हुई जाने की 2 साल, तो कौन चाहता है कि मर जाए? कोई नहीं चाहता। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो चाहेगा कि मैं मर जाऊं। वो कभी परेशान हो जाते हैं तब भले ही कह दे हे भगवान इससे तो अच्छा है, बोलो राधे राधे। लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, बच्चे उसे परेशान करते थे, घर वाले भी खूब जम के काम कराते, थक गई। एक दिन गोबर भर रही थी, बच्चों ने कुछ सुना दिया और गुस्सा आ गया तो बड़बड़ाने लगी, हे राम संग की साथी सब चली गई, हम अभी तक यही पड़े, ये यमराज हमारी भी तो नहीं सुनता, ऐसे बड़बड़ा रही थी। अच्छा यमराज वहीं से निकल रहे थे, यमराज को लगा ये हमें किसने पुकारा। पहुंच गए यमराज, कहो माता जी कैसे याद किया। माता जी घबरा गई, भगवान कौन है ये, कौन हो? बोले हम हैं यम, आपने हमें पुकारा। अब घबराई मैया, हे भगवान ये तो सच में ही आ गए, हम तो झूठ मूठ कह रहे थे। यमराज ने कहा क्या क्या काम था, आपने क्यों याद किया, क्यों बुलाया? माता जी बोली अरे हमें कुछ काम नहीं, बस ये गोबर ज्यादा भर लियो या वो चाय दो, तू अपने रास्ते जा, हमें अपने काम। तो संसार में शायद ही कोई होगा जो मरना चाहेगा। भगवान से कहते हैं जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप यही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोन्यम् प्रसन्नहासारुणलोलोलोसनन् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। द्वारकाधीश मुंह लटका के खड़े हो गए, भगवान पता नहीं कब इनका इनकी इच्छा होगी कि ये जाए। तो पिता में भीष्म कहते हैं सुनो, ऐसे मुंह लटका के खड़े होने की नहीं कहा, प्रसन्न हासारुणलोलसा, जब तक खड़े हो तब तक हंसते रहो, प्रसन्न रहो। भगवान बोले ये बढ़िया ड्यूटी लगा दी, क्या करें। तब भगवान हंसते हुए दर्शन दे रहे, इधर आज युधिष्ठिर जी को शोक दूर किया। पिता में भीष्म ने बाणों की सैया पर पड़े हैं और युधिष्ठिर पांडवों को उपदेश किया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासमोसयोगतः। राज धर्म के बारे में बताया, दान के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, कैसे राजा को प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचार विचार राजा का होना चाहिए, वो सब विस्तार से बताया। और एक ही सूत्र में समस्त शास्त्रों का उपदेश पिता में भीष्म ने उपदेश को समझा दिया, सुनो हमें दूसरों के प्रति वो व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले तो हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें जो अच्छा नहीं लगता कि हमारे साथ कोई ऐसा करे, वही कार्य हमें भी दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। लेकिन हमारी आदत 50 रुपया की चीज 100 में चिपकाई दे तो बड़े प्रसन्न, आज इतने का चूना लगा लगा,
और हमें कोई दो रुपया महंगी दे देना तो हजारों गालियां सुना देते। बोलो राधे राधे। इसलिए सदैव जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, यही सूत्र है शास्त्र का। अब पिता में विष्णु ने बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई। इति मति रूपे कल्पिता वृत्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनी स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृते मुपेयोसि यद्भवा प्रवाह। पिता में भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, मेरी एक इच्छा है, इतिमती मेरी जो बेटी है ना, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान हंसे और भगवान ने कहा, रे महाराज, विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ और तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? पिता मैं भी इति मति रूपी कल्पिता कृष्णा, ये जो मेरी मति है ना, मेरी बुद्धि, यही मेरी बेटी है, मैंने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारी चरणों में इसे अर्पण करना चाहता हूँ। इति मति रूपी कल्पिता कृष्णा, मैं संसार में खूब घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन मेरी बेटी जैसी सुयोग्य है ना, वैसा वर नहीं मिला। केवल आपके अलावा इसे अपनाने वाला संसार में त्रिलोक में कोई दिखाई नहीं देता। भगवान बोले, ऐसा तुम्हारी बेटी में कौन सा गुण है जो तीनों लोकों में मेरे अलावा कोई है ही नहीं? पिता में भीष्म कहते हैं, सुनो पिता तृष्णा, मेरी मति में कोई भी तृष्णा नहीं है, संसार में शायद ही कोई बुद्धि ऐसी होगी, मति ऐसी होगी जिसकी मति में तृष्णा ना हो। तृष्णा मतलब इच्छा, किसी को वित्तेषणा होती है, वित्तेषणा माने धन, कैसे आए, कहां से आए, धन होना चाहिए, किसी को वित्तेषणा होती है, और किसी के पास वित्तेषणा धन खूब है तो उसे पुत्रेषणा होती है। धन को खाने वाला कोई नहीं, पुत्र नहीं है, क्या क्या पुत्र होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, वो पुत्रेषणा में ग्रसित हो चुका है। और किसी को ना वित्तेषणा है, उसने वित्तेषणा को भी त्याग दिया, पुत्रेषणा को भी त्याग दिया, तो वो लोकेषणा में फंसा है। कोई हमें जाने, कोई हमें पहचाने, हमारा लोग सम्मान करे, जो वित्तेषणा को त्याग देते हैं, पुत्रेषणा को त्याग देते हैं, मानो संसार को भी जो त्याग देते हैं और महात्मा बन जाते हैं। भगवान की माया ऐसी है कि वही जो घर को त्याग करके महात्मा बन गए, संत बन गए, और उन्हीं को फिर लोकेषणा आकर घेर लेती है। लोग हमें जाने पहचाने, हमारा सम्मान करें, हमारी प्रतिष्ठा हो, यही लोकेषणा है। हनुमान जी के सामने आई थी ना सुरसावर बन करके, पहले तो सुमेरु पर्वत आया, ये वित्तेषणा माया। कहता है महाराज, मुझे अपनाओ। हनुमान जी कहने लगे, जब तक राम जी का कार्य नहीं कर दूंगा तब तक मैं कहीं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। फिर हनुमान जी को लगा, कहीं मुझे वैराग्य का अभिमान ना हो जाए कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। सोने का पर्वत आया था हनुमान जी के सामने, सोने का पहाड़ आ गया और कहता है कि मुझे ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो, हमारे सामने थोड़ा भी दिख जाए ना तो लेके खिसक ले। बोलो राधे राधे। हनुमान जी के सामने इतना बड़ा पर्वत सोने का आ गया, कहता है कि मुझे अपनाओ। हनुमान ते परसा,
हनुमान ते परसा। हनुमान जी को लगा यदि स्पर्श नहीं करूंगा, छूंगा नहीं, तो मुझे अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूं। त्यागी भी तो होते हैं ना कुछ ऐसे। भगवान की जो माया है ना बड़ी विचित्र है। आपने देखा होगा जो संत महापुरुष होते हैं ना, भगवान की माया धन को हाथ नहीं लगाता, छूते नहीं, उसे अपवित्र माना गया है। इसलिए तो जब लक्ष्मी पूजन होता है ना, तो उस समय केवल आभूषण लक्ष्मी जी के सामने अर्पण किए जाते हैं। केवल आभूषण, नोट नहीं इकट्ठे करके वहां रखे जाते हैं। क्यों? उसे अपवित्र माना जाता है। भगवान से सीधे पैसे धन को स्पर्श नहीं कराया जाता। इसलिए पंडित जी जब पूजा अर्चना कराते हैं ना, तो नैवेद्य के ही वो दोने में पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, यही रख दो, भगवान तक स्पर्श नहीं कराने देंगे। क्यों? उसे अपवित्र माना गया है, वो हर जगह जाता है। इसलिए दिवाली पर हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं तो वहाँ नोटों की गड्डिया लोग रखने लगते हैं, उसे लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, पता नहीं कैसा हाथ किसका लगा था, क्योंकि धन को तो हर स्थिति में छुआ जाता है ना। इसी कारण से महापुरुष भी धन को छूते नहीं। हनुमान जी ने भी विचार किया कि कहीं मुझे अभिमान हो गया, तो इसलिए हनुमान ते परसा। हनुमान जी ने उसे छुआ तो लेकिन छोड़ दिया वहीं पर। सोने का पहाड़ आया, पर्वत आया, छोड़ दिया। सुरसा क्या है? सुरसा है कीर्ति, प्रसिद्धि। पहले धन आता है, और जब धन आता है ना, तो प्रसिद्धि अपने आप ही आती चली जाती है। सुरसा कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले खा जाओ, तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने भी अपना शरीर बढ़ाया, फिर सुरसा ने अपना शरीर बढ़ाया, फिर हनुमान जी ने बढ़ाया। और अब की बार जब सुरसा ने 100 योजन का अपना मुंह खोला, तो चाहते तो हनुमान जी भी 200 योजन के हो जाते, लेकिन समझ गए ऐसे में मौका है, तुरंत छोटे से हुए और मुख में गए और बाहर निकल आए। क्यों? इसे क्या शिक्षा मिलती है? लोग केवल बड़ा बनना जानते हैं, लेकिन समय आने पर छोटा भी हो जाना चाहिए। हनुमान जी बड़ा भी होना जानते हैं और छोटे भी होना जानते हैं। इसी प्रकार से लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। एक मैया बड़ी परेशान थी, एक एक महापुरुष ने कहा मैया क्यों, क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, घर में बहुत गरीबी आ चुकी है, बेटे और बहू घर पर ही रहते हैं, ना कोई संतान है, क्या करें? तो उसने कहा भोलेनाथ की सेवा किया करो, और भोलेनाथ की सेवा करोगे ना तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसने भोलेनाथ की सेवा की, बड़े ही भाव से, श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आराधना की, और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भोलेनाथ तत्पश्चात में भोलेनाथ ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? केवल एक ही वरदान मांगना, जो भी मांगना चाहती हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
खर्चा होता है ना पैसा लगता है, राधे राधे बोलो बड़ा अच्छा लगता है। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। इसलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं। पल्ले ना पड़ने। एक बार तीन कंजूस थे मोहल्ले वाले सभी उसे उनसे कंजूस कहा करते थे। तीनों परेशान हो गए। एक दिन तीनों एक जगह इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे, भैया क्या करें, ये लोग गांव वाले सब कंजूस कहते हैं। एक बोला एक ही उपाय है, क्यों ना कुछ खर्चा करके आए। खर्चा करेंगे तो लोग जानेंगे कि ये भी खर्च करने लगे हैं, तो अपने आप ही कंजूस कहना बंद कर देंगे। भैया बात तो ठीक है, चलो चलो। तो तीनों बाजार चले गए, तीनों बाजार चले। अच्छा व्यक्ति आदमी कितनी भी दूर चला जाए, अपना सामान छोड़कर जा सकता है, घर परिवार छोड़कर जा सकता है, बच्चे छोड़कर जा सकता है, पत्नी छोड़कर जा सकता है, माता पिता छोड़कर जा सकता है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं छोड़कर जा सकता। वो आदत उसके साथ ही जाती है। अब वो तीनों गए तो आदत भी उनके साथ ही गई। उनकी जो आदत बनी हुई थी कंजूसी की, तीनों गए क्या खरीदे। एक बोला भैया इधर उधर की चीजें खर्च करोगे तो खामो खाम पैसे बर्बाद होंगे, क्या खरीदे तू ही बता। एक बढ़िया है क्या, क्यों ना घी खरीद ले। अरे खर्च करेंगे तो घी आएगा और घी खाएंगे तो सेहत तो बनेगी। ये बात तीन हो गए जाकर के, भैया हमें घी चाहिए, कितना चाहिए। तो आदत बोल पड़ी कंजूसी, तीनों को ढाई ढाई सौ ग्राम घी दे दो। तीनों ने ढाई ढाई सौ ग्राम घी खरीद लिया। अब जब लेकर के घी को आ रहे थे वापस पुणे, सीना फुलाकर चले आ रहे थे, सहज में लोगों ने पूछ लिया आज ऐसा क्या कर दिया जो सीना फुलाकर चले चल रहे हो। आज हम खर्चा करके आए, ऐसा क्या खर्चा किया। देखो घी खरीद कर लाए। अब वो घी देखा तो और लोग ताली बजाकर हंसे। कालांतर में तीनों अपने अपने घर चले गए। दो तीन महीने बाद फिर एक जगह मिले, तीनों मित्र थे। अब तीनों जब मिले ना एक दूसरे से चर्चा, हो भैया तेरा मुंह बड़ा चमक रहा है आजकल, क्या बात है। कहने लगा क्यों नहीं चमकेगा, घी जो खाता। अच्छा तीन महीने हो गए अभी तेरा वो घी चल ही रहा है। हाँ अभी तो चल रहा है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे चलाते हो भैया। सुनो
घर की जब रोटियां बनती है ना तो मैं भी वहीं बैठ जाता हूँ। सारी रोटी बनकर जब तैयार हो जाए एक रोटी ऊपर वाली चुपड़ देता हूँ, ऊपर वाली में घी लगा देता हूँ और एक सबसे नीचे वाली में घी लगा देता हूँ, बाकी सब मैं लगा मान लेता हूँ। दूसरा बोला राम राम ऐसे घर चलता है क्या? तुम तो बहुत जल्दी बर्बाद कर दोगे घर को, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या करते हो? सुनो, घर की जब सारी रोटियां बन जाती है ना तो मैं एक सलाही लेता हूँ, सलाही लेता हूँ और सलाही को घी में डुबोता हूँ। घी में डुबो करके सलाही रोटियों में ऊपर से चुभोना प्रारंभ करता हूँ, नीचे तक घी पहुंच जाता है। तीसरा बोला राम राम ऐसे घर चलाओगे तुम, कब तक चलाओगे? तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या करते हो? देखो हमारा घी जितना लाए थे ना उतना की उतना जो की त्यों रखा है, खर्च ही नहीं हुआ। क्या खाते नहीं? नहीं, घी का आनंद हम लेते। ऐसा क्या करते हो? जिस घी को लाए थे ना हम, उस घी को हमने एक बोतल में बंद कर रखा है और जैसे ही रोटी बनती है प्रत्येक रोटी पर बोतल घुमाते जाते हैं और जैसे खाने बैठते हैं तो बोतल का ढक्कन खोल देते हैं, वो आनंद आता है, आनंदित हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी कंजूसी भी ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे। पिता में विष्णु ने बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई और एकादशी के दिन अपने देह को त्याग दिया, भगवान में लीन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा गया विष्णुराज। जिसकी गोद में जाता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है, इससे इसका नाम पड़ गया परीक्षित। और परीक्षित के ही नाम से ये बालक प्रसिद्ध हुआ। उपरांत में पांचों पांडवों ने सलाह की, विद्या पढ़ने भेजा बालक को। परीक्षित बड़े हुए, बड़े होने पर परीक्षित को ही राज सौंप दिया। पांचों पांडव हिमालय की ओर चले गए स्वर्गारोहण करने। अब परीक्षित की बहुत कम आयु में इतना बड़ा भार परीक्षित के कंधों पर आ गया। एक दिन परीक्षित को लगा मैंने अभी तक मेरी प्रजा नहीं देखी कितनी बड़ी है, क्यों ना प्रजा को देखना चाहिए कितना बड़ा मेरा राज्य है, कहां तक फैला हुआ है। तो राजा परीक्षित चले तो बहुत आगे निकल पड़े। देखा एक काला पुरुष एक हाथ में रस्सी एक हाथ में डंडा लिए दौड़े चले, गाय को मारने के लिए दौड़ रहा था। गाय और बछड़े आगे आगे दौड़ रहे थे, गाय और बछड़ों के आंख से आंसू झलक रहे थे। दया आ गई जिस गौ माता के कारण श्री नारायण वन वन में नंगे पैर भटकते चलते रहते थे, जिस गाय के कारण ही भगवान का नाम गोविंद गोपाल पड़ा, आज उसी गौ माता पर इतना अत्याचार, ये कौन है दुष्ट? जो धनुष बाण उठाए कि वही काला पुरुष चरणों में आकर लेट गया, महाराज मुझे क्षमा करें। परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे यहाँ क्यों आए? तो कहता है महाराज कहाँ जाऊं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, चारों तरफ आपका ही राज्य चलता है, या तो आप मुझे स्थान दे दीजिए कि आपको वहां रहना है, मैं वहां रह लूंगा। तब परीक्षित ने पूछा अच्छा तो बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? तब कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर अवगुणों की तो खान है, भंडार भरा पड़ा है, लेकिन गुण केवल एक ही है। कौन सा? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना,
तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल और युगों में वर्षों तक समाधि में रहने से मिलता है, तपस्या करने से मिलता है, वही फल इस कलिकाल में कलयुग में केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यही मेरे अंदर गुण है। राजा परीक्षित रीझ गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कहा जाओ दूतम पानम स्त्रिया हिंसो या हिंसाया, जहां जो लोग जुआ खेलते हैं, पत्ती खेलते हैं, वहां उनके ऊपर जाकर तुम बैठ जाओ। पानम जो लोग मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके ऊपर जाकर तुम बैठ जाओ। स्त्रिया हिंसायाम, जहां वैश्याल्य हो वहां तुम्हारा वास होगा, और जहां पशु पक्षियों को काटा जाए, जानवरों को काटा जाए, वहां भी तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज चार चारों ही ऐसी दी, कोई अच्छी भी तो दो। जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा, सोने में भी वास होगा। अब जरासंध के मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित आए थे। जरासंध पापी राजा था। पाप की कमाई से जो स्वर्ण लिया जाता है उसमें कलयुग निवास करता है। जरासंध के मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित आए थे। स्वर्ण का मुकुट था, तो उसी मुकुट में कलयुग बैठ गया। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, एक संत का अपमान कर दिया। समीप ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, नदी में क्रीड़ा कर रहे थे श्रृंगी ऋषि, उन्हीं के पुत्र हैं, तो श्राप दे दिया जल लेकर के हाथ में। इति लंगित मर्यादा तक्ष का सक्त में हे राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जाओ हम श्राप देते हैं, आज से ठीक सातवें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के श्राप दिया और पुनः अपने पिता के यहाँ आए। मरे हुए सर्प को निकाला, समाधि खुली। तब कुछ शिष्यों को भेजा गया, राजा को अवगत कराया गया कि तुम्हें श्राप मिला है कि केवल तुम सात दिन तक ही जीवित रह सकते हो। राजा को जब ऐसा पता चला तो बड़ा आनंदित हुआ। इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ जो मैं ये कह सकता हूँ कि सात दिन तक मर नहीं सकता। भला संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मैं सात दिन तक जीवित रहूंगा। मुझे पता है ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण के पुत्र का श्राप मुझे लगा है, ऋषि के पुत्र का श्राप मुझे लगा है। अब मुझे सात दिन तक स्वयं ब्रह्मा भी यमराज भी नहीं मार सकते। गंगा तट पर आ गए और आकर के सभी से वही प्रश्न, मरिय मानम किम कर्तव्यम। हजारों ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी के मध्य में श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव भगवान ने बड़ी ही सुंदर, जैसे राजा परीक्षित ने पूछा कि मरिय मानम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो, जितासनो जितसासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संदारये द्विया। मरने वाले को पहली बात तो बताएं, मरने वाले अकेले राजा परीक्षित ही नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म जिसका हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, ये भी सुनिश्चित है। तो मरने वाले केवल राजा परीक्षित ही थोड़ी है, जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना ही पड़ता है। इसलिए प्रश्न केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं, हम सबके लिए ये प्रश्न है। मरिय मानव कम कर्तव्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बताते हैं, जितासन हो, मरने वाले को पहले आसन जीतना चाहिए। कोई भी ऐसा आसन
जो सुखासन हो, सुख प्रद हो, अच्छे से आराम से हम उसमें बैठ सके, वो आसन हमें जीत लेना चाहिए। क्यों? जब तक आसन नहीं जीत लेंगे तब तक भगवान की सेवा पूजा में मन नहीं लगता। बोलो राधे राधे। टाइम हो गया कि इसलिए चटपट होने लगी। शांति बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो आरती करा देंगे। बोलो राधे राधे। जितासन हो, आसन जब तक नहीं जीत सकते ना तब तक सेवा पूजा में मन नहीं लगता। क्यों? थोड़ी देर बैठे कि घुटने दर्द करने लगे। अब जो मन भगवान में लग रहा था, जो सेवा में मन था ना, वही मन अब घुटनों के दर्द में चला गया। अब पैरों को इधर हिलाते, कभी इधर हिलाते, कभी सीधा करते, कभी उधर करते ना। और कुछ लोग तो हमारी तरफ कर लेते हैं, भागवत की तरफ, लो मारा। जितासन हो, आसन जीतना चाहिए। घुटने दर्द करने लगे और थोड़ी देर बैठे, चलो घुटनों का दर्द सहन किया, भगवान में लगा लिया, अब कमर दर्द करने लगी। अब विचार करे कहां बैठे, ऐसी कोई जगह हो बढ़िया जहां आराम से कमर लगा के बैठ गए, जुगाड़ देखने लगे। तो वो जितासना, वहां आसन से हमारा मन भटकने लगा, और जहां मन भटकने लगा कि वहीं भगवान से मन दूर होने लगा। और जिता सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? भगवान की सेवा पूजा भक्ति में सांसें धीरे चलनी चाहिए, ज्यादा धीरे भी ना चले और ज्यादा तेज भी ना चले। सांसें ठीक चलेंगी तो शरीर का संतुलन बना रहेगा, शरीर का संतुलन एकदम। क्यों? देखा होगा सांसें जब ज्यादा तेज हो जाती है ना तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आपने अनुभव किया होगा जब क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, तो अपने आप सांसें तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमें पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सांसें तीव्र हो गई और हमारा संतुलन शरीर का जो बना था वो संतुलन बिगड़ गया। जितह संगो, संग भी अच्छा होना चाहिए। उसके उपरांत में पूजा के प्रकरण में बताया किस देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। अन्न अधिक चाहिए तो माँ अदिति की उपासना करनी चाहिए। सुंदर होना है रूप के लिए गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। विद्या के लिए भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में सुख में प्रेम बना रहे तो भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्रह्म तेज के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। इंद्रिय तेज के लिए इंद्रियों की उपासना करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर बना रहे तो अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। धन के लिए लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। बुद्धि के लिए गणेश की उपासना करनी चाहिए। और केवल भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। सृष्टि के बारे में बताया भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो भगवान रुद्र प्रकट हुए। कहा कि आप सृष्टि की रचना करो तो भोलेनाथ ने भूत प्रेतों की रचना प्रारंभ करो। और वही भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने दौड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, ऐसी रचना नहीं करवानी, जाओ भजन करो। भोलेनाथ सृष्टि रचना बंद की और प्रभु के भजन में लगे। उपरांत में 10 पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, तिरा, अंगिरा, कुलश, कुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं नारद। ये 10 पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 पुत्रों को प्रकट किया। वाणी से मनोहारिणी देवी सरस्वती को प्रकट किया। छाया से कर्दम जी को प्रकट किया। अब की बार
सृष्टि की जब रचना की तो दाएं और बाएं अंग से स्त्री और पुरुष को प्रकट किया। इन्हीं का नाम मनु और शत्रुपा। इनके पांच संतानें हुई, तीन बेटी और दो पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये बेटियों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनके यहाँ स्वयं माँ सती आई थी पुत्री बनकर के, और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था। पिता ने यज्ञ कराया था तो यज्ञ में ही शिव का स्थान नहीं था, शिव की पूजा नहीं थी, तो माँ सती सहन नहीं कर पाई और अपने ही शरीर से ऐसी अग्नि प्रकट की कि उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। देहूति का विवाह हुआ था करदम जी के साथ। करदम जी ने इसी शर्त पर विवाह किया था कि यदि हमारे यहाँ स्वयं भगवान अवतरित होकर आएंगे तो ही हम विवाह करेंगे। भगवान ने भी वचन दिया था, ठीक है करदम जी, यदि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और जब विवाह हुआ तो समाधि लग गई। विवाह होते बरसों तक देवी देहूति सेवा करती रही और बरसों बाद समाधि खुली तो देखा जो अवस्था बरसों पहले थी वो आज जर्जर होने लगी है। पूछा करदम जी ने देवी कौन है, कौन हो आप? देवूति कहने लगी महाराज जरा याद करो, बरसों पहले आपका और हमारा विवाह हुआ था। विवाह होते ही आप समाधि में बैठ गए कि बरसों हो गई, समाधि लगते लगते आज समाधि खुली है और मैं आपके सामने। ओहो देवी, तुम महाराज मनु की पुत्री हो, क्षमा करना देवी, हमारी समाधि लग गई थी, जाओ जाकर नदी में स्नान करो। देहूति नदी में स्नान करने के लिए अंदर प्रविष्ट हुई तो हजारों दासियां प्रकट हो गई, मलमल करके देहूति को स्नान कराया, एकदम नव यौवन सुंदर विग्रह शरीर देहूति का हो गया। एक विमान प्रकट किया, इस विमान का नाम है कामग विमान। इस विमान का चमत्कार देखो, ना डीजल लगता है ना पेट्रोल, जो कामना करो विमान में वही प्रकट हो जाता है। जहां जाना है संकल्प करो यहां चलना है, विमान वहीं पहुंच जाता है। और ऐसे करते करते वर्षों तक उसी विमान में देहूति और करदम रहे। कालांतर में नौ कन्याओं का जन्म हुआ। नौ कन्याओं के बाद अब की बार फिर से विमान में रहे और पुनः भगवान स्वयं अवतरित होकर आए, कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल का दर्शन करने देवता पधारे, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ पधारे, नौ पुत्रों के साथ। तो करदम जी ने अपनी नौ कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के नौ पुत्रों के साथ संपन्न किया। दसवें नारद जी घूमने गए थे सो विवाह से रह गए, अब घूमते ही रह गए, आज तक विवाह नहीं हुआ। इधर कालांतर में देहूति से करदम जी बोले, देवी हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अपनी बेटियां थी इनका सबका विवाह कर दिया, अब हम चलते हैं भजन के लिए। देहूति ने ज्यादा रोका नहीं और कहा ठीक है। अब कपिल भगवान अधिकांश ध्यान में बैठे रहते हैं। करदम जी चले गए वन में, बेटियों का विवाह कर दिया। अब तक जो बेटियों की चहक से महक से जो घर खिला भरा रहता था वो अब घर घर सूना सूना लगने लगा, खाली खाली लगने लगा। एक पुत्र है कपिल, वो ध्यान में रहते हैं। अम्मा देहूति अकेली रह गई, कोई बात करने वाला नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं। माताएं अकेली पड़ जाएं, कोई बातचीत करने वाला ना मिले ना, तो आधी सी तो बीमार वैसे ही हो जाती है।
बोलो राधे राधे। क्या करें, एक दिन अपने पुत्र के पास आई, बेटा मैंने बहुत सुख पाया है, ऐसे विमान में रही जो कामना करूं वही मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं अतृप्त हूं, मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है। भगवान कहते हैं, मां ये संसार की जितनी भी वस्तुएं ना, ये सारी वस्तुएं अतृप्त हैं, अतृप्त ही करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। पूर्ण से जुड़ोगे तो ही पूर्णता प्राप्त होगी। भोजन किया, भोजन पूर्ण नहीं है, सुबह भोजन किया, शाम को फिर भूख सताने लगी, भोजन नष्ट हो गया, इसका मतलब वो भोजन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। पानी पिया, प्यास फिर सताने लगी। ये संसार में जो भी दिखाई पड़ता है ये सब अपूर्ण है। पूर्ण है तो केवल क्या? पूर्ण केवल और केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण केवल और केवल परमात्मा है। जब पूर्ण से हम जुड़ते हैं तो तृप्ति अपने आप ही होने लगती है। बेटा तो फिर उन पूर्ण से हम कैसे जुड़े? माँ उन पूर्ण से हमें कोई संत जोड़ेंगे, महापुरुष जोड़ेंगे। तो बेटा पता कैसे चले कि संत कैसे होते हैं? तो भगवान कपिल बताते हैं कि संत की लक्षण क्या है। तिति छवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवासांतः साधुवा साधुभूषण। साधुओं के लक्षण गिनाए। तिति छवः साधु सहनशील होते हैं, दया का स्वरूप होते हैं। कारुणी कहा, करुणा रूप उनका एक स्वभाव होता है, बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। सुहृदा वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। संत यदि दुखी होते हैं तो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। तत्पश्चात अजात शत्रुवः, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है, संसार में रहते हैं इसलिए वो अजात शत्रुवः, कोई भी उनका शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में संत भगवान को ही देखते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हाथ पैर नाक कान दांत आंख पैर उंगलियां, ये सब शरीर के अंग हैं और इन सबको मिलाकर एक बना शरीर बनाना, सबको मिलाकर एक शरीर बना, लेकिन है तो सब अंग शरीर के ही। हाथ है ये भी हमारा अंग है, पैर है ये भी हमारे अंग है, सब हमारा ही तो है, अपना ही तो है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देख अनुभव किया होगा, एक अंग से दूसरे अंग में कभी चोट लग जाती है, हो जाता है ना। जैसे भोजन करते समय, कभी कभी भोजन करते समय जीव दांतों के नीचे आ जाती है, आती है, बहुत कष्ट प्रद होता है, दर्द होता है और मुंह लटका के बैठ जाते हैं। कोई पूछे भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, दांतों ने जीव को काट लिया। अब कोई खूब उत्साह करे, गुस्सा दिलाए, कितने बुरे हैं, 32 मिलकर अकेली जीव पर अत्याचार करते, इनको तो निकाल कर फेंक देना चाहिए। कहो किसी ने निकाले आज तक? हैं? किसी ने तोड़े? कभी कोई नहीं। क्यों? जीव कटने का तो दर्द हो ही रहा है और यदि दांत और निकाल दिए ना, वो भी दर्द हमें ही झेलना पड़ेगा। ये हमें ज्ञान है,
ये हमें ज्ञान है क्योंकि ये हमारा ही एक अंग है। ऐसे ही संत जैसे हम दांत को नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि दांत भी हमारा ही अंग है। वैसे ही संत जैसे हम अपने शरीर में सब देखते हैं, संत व्यापक रूप में सब देखते हैं। इसीलिए उनका कोई शत्रु नहीं है। जैसा हम दांतों को कभी अपना शत्रु नहीं मानते, विचार करते हैं ये हमारे अपने ही हैं, ऐसे ही संत भी संसार में चाहे बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको वो अपना ही मान मान। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो राम को देखते हैं, सबके अंदर भगवान को देखते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि जो बनाई है ना, ये भगवान की ही बनी हुई सृष्टि है। भगवान ने ही अपनी सुंदर लीला से इसकी रचना की है, लेकिन हम लोग भगवान की ही बनी हुई सृष्टि में, भगवान की ही की गई रचना में, भगवान की ही की गई कारीगरी में जब कमी निकालते हैं ना, तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने कितनी अच्छी सृष्टि की है, कितना अच्छा रचना करके मैंने दिखा दिया। हाथ पैर नाक कान सब वही है, लेकिन जब सबको देखो तो सबका एक नक्शा अलग दिया गया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अभी ताली बजाते हुए प्रभु ने, वही सृष्टि चला।
चरणों का दर्शन करें, जैसे आरती चरणों से प्रारंभ होती है, फिर नाभि की जाती है और फिर मुख मंडल की जाती है और उसके बाद सर्वांग है, सभी अंगों की आरती की जाती है। ऐसे ही चरणों का दर्शन करें और फिर नाभि का दर्शन करें, फिर मुख मंडल का दर्शन करें और फिर पूरे अंगों का दर्शन करें। चरणों का दर्शन करें, चरणों में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी निवास करते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान की पैर का जो तलवा है, नीचे का जो भाग है वो लाल है। भगवान के जो नखुन है पैर के वो श्वेत है, सफेद है। भगवान के पैरों का जो ऊपर का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। नीचे का लाल है तलवा पैर का, नखुन पैर के श्वेत है और पैरों का रंग श्याम वर्ण है। गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती की रक्त कांति, गंगा जी की धवल धारा और यमुना जी की श्याम आभा। लेकिन भगवान खड़े हैं इसलिए दो ही दिखाई दे रही हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती छुप गई है इसलिए भगवान के चरणों में तीनों नदियों का दर्शन होता है, लेकिन दिखाई दो पड़ती है। इलाहाबाद आप जाओ प्रयागराज में तो तीनों नदियां बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, एक ही जगह तीनों नदियां बहती हैं। लेकिन वहां देखोगे ना तो दो ही नदी दिखाई पड़ती है, गंगा और यमुना। सरस्वती लुप्त हो जाती है, छुप जाती है अपने आप। क्यों? उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। वेणी कहते हैं संस्कृत में चुटिया को, चोटी को। माताएं जो चोटी बनाती है ना अपना बालों की, तो पहले बालों को तीन जगह बांटती है, बांटती है तीन जगह। हाँ तो बोलो, माटी के धोला,
तीन जगह उनको बालों को बांट लेती हैं, तीन जगह बांट करके फिर गूंथना प्रारंभ करती हैं, चोटी बनाना प्रारंभ करती हैं। और चोटी गूंथ कर जब तैयार कर देती है ना, तो पीछे से कोई देखे दो ही दिखाई पड़ते, तीसरा उसी में छुप जाता है। चोटी में भाग है तीन, लेकिन दिखाई कितने दे रहे हैं? दो। एक उसी में छुप गया, उसे भी बेणी कहा। ऐसे ही भगवान सांख्य शास्त्र में उपदेश करते हैं, और आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। कल की जो पावन कथा होगी, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, और कल आपको यहाँ वामन भगवान की सुंदर झांकी का भी दर्शन कराया जाएगा, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। इसलिए अब पांच दिन और हैं, दो दिन तो निकल ही गए, और पांच दिन भी ऐसे ही करते करते निकल जाएंगे, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। भगवान की कृपा ये दोबारा आप लोगों के ऊपर हुई है, इसलिए इस कृपा का भरपूर आनंद आप सभी लें। आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक भजन होगा, झूम करके नाचते हुए हाजिरी लगाएं, और उसके बाद में फिर आनंद के साथ आरती का दर्शन हम और आप सभी करेंगे, झूमते हुए भगवान के दरबार में। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बांस की बसुरिया लाल कहाँ सिलायो रे, बांस की बसुरिया लाल कहाँ सिलायो रे, कन्हैया 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 बांसुरी बजा दे, कन्हैया बांसुरी बजा दे, लाल सावन आयो रे, कन्हैया बांसुरी बजा दे, लाल सावन आयो रे, कन्हैया बांसुरी बजा दे, लाल सावन आयो रे, ओ सावन आयो रे, मन भावन आयो रे, सावन आयो रे, मन भावन कन्हैया बांसुरी बजा दे, लाल सावन आयो रे, कन्हैया बांसुरी बजा दे, लाल सावन आयो रे, तभी झूमते हुए सवरिया।
बांसुरी बजाते लाला सावन आयो रे कन्हैया बांसुरी बजाते लाला सावन आयो भैया रिकॉर्डिंग कर रहे ना 6 बजे लाइव देंगे ये कितने बजे 6 बजे आप कैसा नाच रहे हो ये आप अपने आप को लाइव देख सकते हैं अब यहां थोड़ी नेटवर्क समस्या है ना इसलिए लाइव नहीं चला पा रहे थे तो डी लाइव 6:30 बजे या 6 बजे भैया अपने आप देंगे 6 बजे से 10 बजे तक आप इसी कथा को अपने घर में बैठकर देख सकते हैं इसलिए नाचना सोच समझ करके है ना भैया पीछे भी ले लिया करो वो जोर कर रहे हैं बेचारे श्री राधे आयो रे
सावन की रम जोर राई सावन की रम जोर सावन की रम जोर राई सावन की रम जोर झूला 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 का डोरा आए सावन की रम जोर झूला निर्मल ज्योति अपार मोहन शोभा लेने को जुड़ी आई सबना पग बनो पटका बनो बनो लाल को भेष श्री राधा बल्लभ सरकार की सखी दौड़े आरती कर ले शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको
दुलारी सखिया प्यारी ललिता सखा सखिया सारी वास सदा बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो बार बार बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी